सुधीर राज सिंह जी, जी आप आए और जो कॉन्सेप्ट है विदा पीपल का, उसके विषय में हमारे साथियों को बताएं। कंसेप्ट है जुड़ो और जोड़ो, और जुड़ो और जोड़ो में दो प्रश्न आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर लोगों के, जुड़ने का उद्देश्य क्या है और नेता कौन है। ये कॉमन प्रश्न है, हर एक व्यक्ति का ही आता है। जिन्होंने एक बार सुन लिया है वो आगे बता देते हैं, जो नए साथी आते हैं वो सुन के जाते हैं, और हम इसे बार बार बताते हैं और बताते रहेंगे। जुड़ो और जोड़ो के कॉन्सेप्ट में अभी एक जो नया परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि तो जो हम भारत के लोग हैं, हम साधारण लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम आने शुरू हो गए। और परिणाम ये आया कि जिन लोगों को हम ये कह रहे हैं कि जुड़ो और जोड़ो, उन्होंने ठीक डॉक्टर अंबेडकर जैसी आधी बात उठा ली और आधी बात छोड़ दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रबुद्ध भारत बनाना है आपको, धम्मिक भी बनना है, बुद्ध की फिलॉसफी पे चलना है, और पढ़ना है, संघर्ष करना है, लिखना है, सारे काम करने हैं। लोगों ने जो इनकम वाला काम था आरक्षण का, वो तो ले लिया, और जो फ्री का काम था वो नहीं। आपकी म्यूट हो गया। राज सर, अनम्यूट कीजिए। उन्होंने जो हमारे लीडरान हैं, नेता हैं, उन्होंने जुड़ो और जोड़ो का खूब सारा जो मंत्र है वो सीखा, जाना, सब तक पहुंच गया ये भारत में। जितने भी हमारे नेता हैं, संगठन हैं, सब तरह के, तो उन्होंने जुड़ो वाला तो छोड़ दिया और जोड़ो वाले पे वो जोर शोर से लग गए। हर नेता हमारा जूम पर, मीटिंग पर, भाषण में, मीटिंग में, अपने यहाँ, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं, हम भारत के लोग उनसे कह रहे हैं कि भाई देखो, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं, ना हम बचेंगे। तो लोगों की डिमांड है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 महीने तो हम ही को हो गए यहाँ चिल्लाते चिल्लाते, और पूरे देश के लोग इसमें लगे हुए हैं। और जो एक बार सुन लेता है वो अपने बच्चों को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है, बातचीत करता है, और वो बातचीत आगे बढ़ रही है। और ये WE का जो लोगो है, ये लोगों के पेट में दर्द भी कर रहा है और लोगों को खुशी भी दे रहा है। तो जो संगठन चला रहे हैं वो तो इतनी आसानी से संगठन छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो लोग उनसे कहते हैं, जो उनके खुद के अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, या जो उनके बाड़े में और दड़बे में बंधे हुए हैं, जो उनके संगठन की रूपरेखा में आते हैं, जो उनके मानसिक रूप से भक्त और गुलाम हैं, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि वही तो लोग कह रहे हैं उनको। हम तो कह नहीं रहे, हमसे तो बात नहीं करते। तो जब वो कहते हैं जी कि हमने विदा पीपल में ऐसा सुना, ऐसा पोस्ट आया, ऐसा वीडियो आया, ऐसा वार्ता हुई, ऐसी चीज हुई, और वो लोग कहते हैं जुड़ो और जोड़ो, तो मने कैसे करे आदमी, क्योंकि एक सिंगल आदमी, इतने सारे लोग यहाँ पोर्टल पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, अभी तक एक भी सही व्यक्ति जो मानसिक रूप से सही है, एक व्यक्ति, और अगर मैं ये कहूं कि जो मानसिक रूप से विकार जिसके अंदर है, वैसा व्यक्ति भी नहीं आया यहाँ, जो ये कहता हो जी कि ये जो जुड़ो और जोड़ो का जो सिद्धांत है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो संवैधानिक कंसेप्ट है, ये जो बाबा साहब का कंसेप्ट है, ये जो महापुरुषों का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल बेकार है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। एक सिंगल आदमी नहीं मिला अभी तक जो ये कहता हो, एक सिंगल आदमी, और एक कमेंट भी नहीं आया इसके ऊपर कि वो ये कहता हो, कोई भी ये कहता हो कि जुड़ो और जुड़ो बेकार की चीज है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो नेता संगठन चला रहे हैं, जो संगठन के लीडरान हैं, जो उनके अगुआ हैं, जो प्रधान हैं, वो अपने अनुयायियों से, अपने भक्तों से, अपने चेलों से, अपनी आसामियों से, जो उनको पैसा देते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, क्या कहें। ये तो कह नहीं सकते कि भाई जुड़ो और जोड़ो का कंसेप्ट बेकार है, इससे हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो वो खुद भी कहते हैं कि जब तक जुड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसमें जुड़ो वाला छोड़ दो
और जोड़ो वाला शुरू कर दो, तो भक्तों को ये कहना शुरू कर दो, अपने अनुयायियों को ये कहना शुरू कर दो, हम मीटिंग लगा रहे हैं, हमने मीटिंग लगाई है, हमने 4 संगठन इकट्ठे किए हैं, हमारी फलादिन मीटिंग है, हम मीटिंग करेंगे, हम मीटिंग होगी, हम बात करेंगे, हम इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम इसके लिए बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम इसे कर रहे हैं। और उनको काम दे दिया कि तुम जाओ ना, तुम जाके संगठनों को बोलो कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जूम पर और गूगल मीट पर और स्काइप पर ये वर्चुअल तो चल ही रहा है, क्योंकि हम तो वर्चुअल ज्यादा शोर मचा रहे हैं, हालांकि अब एक्चुअल भी फील्ड में आने लगे हैं। तो उनका जो चेला और उनका जो अनुयायी और जो उनका भक्त है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि देखो मेरा जो उपास्य है, मेरा जो परवदिगार है, मेरा जो मालिक है, मेरा जो नेता है, मेरा जो ओनर है, मेरा जो प्रभु है, देखो वो कितना समझदार है, कितना समझाया उसने, क्योंकि वो तो पहले से चेला है कि वो खुद जोड़ने के लिए मैदान में आ गया है। अब कोई फिक्र नहीं है, अब काम बन जाएगा, अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा नेता उतर आया है मैदान में। और सारे जितने नेता हैं सब मैदान में आ गए कि जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, और जोड़ने की ताबड़तोड़ मीटिंग, यानी कि अब संविधान बचाना पीछे हो गया है। आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये कहती है कि अब लोग संविधान नहीं बचा रहे, अब तो अपने आप को बचा रहे। ये जो विदा पीपल के लोग हैं, अब ये लोग संगठन वंगठन तो बनाते नहीं, और ये जो विदा पीपल के लोग हैं ये तो इतने शातिर हैं कि इन्होंने तो पैसा लेने के लिए भी घोषणा कर दी कि हम पैसा लेंगे नहीं, और हम जीवन भर पैसा नहीं लेंगे, और एक पैसा नहीं लेंगे पब्लिक से भी। तो पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, तो ये तो शोर मचा रहे हैं कि ना हम पर्ची काटेंगे, ना हम बैंक अकाउंट खोलेंगे, और ना ही हम पैसे का उपयोग करेंगे, और हम तो जो काम चलाएंगे तो लोग अपने अपने घर से खाना ले आएंगे, और हम कहीं फ्री की जगह बैठ जाएंगे, बात करेंगे और अपने घर चले जाएंगे, हमारी मीटिंग हो गई। ये तो ऐसे शातिर लोग हैं कि इन्होंने मंच माला और माइक छोड़ दिए, उन्होंने कह दिया कि इसमें पैसा खर्च क्यों करना है। तो वो क्या कहें लोगों को, अपने अनुयायी को क्या कहें, क्योंकि जब हम यहां से ये कहते हैं कि भाई मिलने के लिए पैसे की क्या आवश्यकता है, भोजन के नाम पे 2 लाख इकट्ठे करते हो और 20,000 में भोजन आता है, वो 20,000 भी क्यों खर्च करने हैं, अपना अपना भोजन लेके आ जाएंगे ना। तो ये बातें जो जा रही हैं, जो संघ की बातें हैं और जो संघ की है, क्योंकि हम संघ की परिकल्पना बताते हैं और उनके पास संगठन की परिकल्पना है, तो एक मुसीबत उनके लिए और है। तो वो कहते हैं कि हम भी संघ बनाएंगे, चिंता क्या बात है, संघ बनाएंगे। देखो संघ में बहुत सारे संगठन होते ना, तो 3-4 संगठन तो हमारे ही हैं और बाकी 2-4 तुम ले आओ, तो हम संगठन बना रहे ना संघ, और हमें तो इतने दिन काम करते करते हो गया, तो हम ही काम करेंगे और कौन करेगा। ये बीमारी नहीं आ गई, अब संविधान नहीं बचा रहा कोई, अब तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये जोड़ो वाला काम छोड़ दिया और जोड़ो वाला शुरू कर दिया, यानी इसके आधे टुकड़े कर दिए। तो अपने सभी भारत के लोगों को, भारत के बाहर के लोगों को ये बताना है कि ठीक है, आपका जो आका है, आपका जो प्रभु है, आपका जो उस्ताद है, आपका जो प्रधान है, जो आपका प्रेसिडेंट है, वो जोड़ने का काम कर रहा है, तो जुड़ेगा किससे, वो जोड़ता रहेगा, उससे कोई नहीं जुड़ेगा। ऐसे सारे लोग जोड़ने का काम करेंगे तो वो जुड़ेंगे कैसे, किससे जुड़ेंगे, जब सारे लोग हाथ में छुरा लेके आ जाएंगे और एक भी कद्दू ना हो और एक भी आम ना हो तो काटेंगे क्या। इसलिए अगर हाथ में छुरा लेके आ रहे हैं तो काटने का सामान भी तो होना चाहिए, अगर काटने का सामान नहीं है और सबके हाथ में छुरा है तो आम कहां से आएगा। तो जोड़ोगे किसको भाई, हर आदमी जोड़ने निकलेगा, हर संगठन जोड़ने निकलेगा, तो जोड़ोगे किसको, जोड़ना तो संगठनों को है, लोग तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, लोग तो एक हैं, उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को बता दिया हम तो एक हैं। तो इस नई चीज पर, इस नई समस्या पर अब एक चिंतन करना है, विचार करना है, और अब लोगों को ये बताना भी है कि तुम्हारा जो नेता है वो तुमसे कहेगा कि मैं जोड़ रहा हूं, तो उससे ये भी कहना है कि जोड़ना बाद में, पहले तू किसे जुड़ जा, क्योंकि तू जोड़ने का काम कर रहा है, सभी जोड़ने का काम करे तो तेरी भावना अच्छी है, हम मानते हैं तू जोड़ना चाहता है, तो पहले छोटा सा काम करके तू किसी से जुड़ जा। अगर तू किसी से जुड़ता नहीं है तो तेरे से कौन जुड़ेगा और तू क्या जुड़ेगा, तो हमको बेवकूफ क्यों बना रहा है। अरे जोड़ने का काम बाद में करना, पहले जुड़ने का कर, जो जुड़ नहीं सकता वो जोड़ भी नहीं सकता। ये नियम है, ये सिद्धांत है कि जिसमें जुड़ने की इच्छा नहीं होगी उससे कोई जुड़ेगा भी नहीं, कौन जुड़ेगा उससे जिससे जुड़ने की इच्छा नहीं होगी। तो अब लोगों को एक काम और बताना है आगे कि भाई तुम्हारा जो नेता है, जो लीडर है,
क्योंकि नेता तो 420 होता ही है, अगर 420 ना हो तो वो नेता किस बात का, उसको तो सारा साम दाम दंड भेद सब आता है। मगर सहज ज्ञान के आगे, नेचुरल ज्ञान के आगे, और जो बाबा साहब अंबेडकर का या फूले साहू का या कबीर का या बुद्ध के संघ का नियम और जुड़ने जुड़ने का नियम है, उसके आगे सारी चालाकी धरी रह जाती है। क्योंकि अगर वो शोर मचाएगा कि मैं जोड़ूंगा जोड़ूंगा और 2 महीने बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो हम फिर कहेंगे अरे 2 महीने से जोड़ ही रहा है, तू इतना नाकाबिल आदमी है, तू इतना बेकार आदमी है, तू नेता क्यों बना हुआ है इनका, क्या करेगा नेतागिरी करके, जब तू 2 महीने में किसी को नहीं जोड़ पाया, तू जोड़ना जानता नहीं है, तो तू अभी तक नहीं जोड़ पाया, तो खुद नहीं जोड़ा हुआ है किससे, तो तुझे ना जोड़ना आता है ना जोड़ना आता है, तो हम उसको नकारा घोषित करेंगे और उसके जो लोग हैं उनको कहेंगे कि तुम्हारा नेता समय गंवा रहा है और समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि तुम्हारा नेता खुद कहता है कि 2022 में ऐसा होगा और 2024 में ऐसा होगा, फिर हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, उसी का स्टेटमेंट हमारा नहीं है और वो समय को गंवा रहा है, तो तू समझ इस बात को कि तेरा नेता तुझे बेवकूफ बना रहा है, और इस बात को समझ कि हमारे जैसे साधारण लोगों के मिलने में, जुड़ने और जोड़ने में जो रुकावट है वो नहीं है जिसको वो दुश्मन दुश्मन बोलता है, क्योंकि वो नहीं आ रहा हमको, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं सारे समाज को जुड़ने से रोकूंगा, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं सारे समाज का अलग अलग जो लोग हैं उनको ये कहता हूं कि तुम आपस में मत जुड़ो, वो तो बहुत बाद में आएगा, बहुत बाद की कहानी है। पहली कहानी तो ये है कि हम आपस में जुड़ नहीं रहे हैं तो हमको जुड़ने कौन नहीं दे रहा है, अब तो बात बिल्कुल पानी की तरह साफ होती जा रही है, शीशे की तरह साफ होती जा रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं जुड़ो और वो ना जुड़ने के बहाने ढूंढ रहा है, हम कह रहे हैं तू जुड़ और वो कहता है कि मैं जोड़ूंगा, अरे जुड़ने के लिए बोल रहे हैं और तू जोड़ने पे आ रहा है, तो दाल में काला है और काली दाल है और इसी को तो तू चला रहा है, क्योंकि जोड़ने का काम अब शुरू किया है, ये तेरे को अकल तब नहीं आई, पहले नहीं आई कि तुझे खुद किसी को जोड़ना चाहिए, तो तुझे अकल की भी कमी है, क्योंकि अगर तू इतना नहीं सोच सकता कि बिना जुड़े काम नहीं हो सकता और मैं जोड़ नहीं सकता, तो तेरे में अकल की भी कमी है, और जो अकल की कमी है अगर ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमें बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हमें वही बचा सकता है जिसको इतनी अकल हो, कम से कम इतनी अकल हो कि जो वो कहता है वो करे, कम से कम तथागत तो बने, क्योंकि अगर वो तथागत नहीं बनेगा, जो कहेगा वो कहेगा नहीं, तो वो झूठा होगा, तो वो हमसे हमेशा कहता है संगठित रहो जुड़ के रहो, बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, तो बाबा साहब ने कहा है और खुद नहीं मानता है तो क्या मानसिक बीमारी है, क्या समझ में नहीं आता, क्या अपने शब्द सुने हुए कान में नहीं आते, या अपने बोले शब्द समझ में नहीं आते, सामने वालों के लिए ही होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ भाई, कि जो तुम कहते हो वो तुम खुद अमल नहीं करते, और हमको कहते हो हम तो अमल करते हैं, हम तो तुम्हारी उस बात पे भी अमल करते हैं, जबकि हमें पता नहीं कि तुम्हारा मेंटल स्टेटस क्या है, फिर भी हम इकट्ठे हो जाते हैं, तुम इकट्ठे नहीं होते, तुमको बार बार हम कह रहे हैं कि जुड़ो और जोड़ो, तो उसमें से आधा टुकड़ा कर दिया जोड़ने का, एक नई बीमारी और पैदा कर दी कि हम जोड़ रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अब और मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या हम मेहनत ही करते रहे, क्या हम तुम तिगड़े में लगाते रहोगे, जुड़ोगे नहीं क्या कभी भी, क्या बिल्कुल मरवा के छोड़ोगे हमारे बच्चों को, हमें 70 साल में जुड़े नहीं, इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि अगर सारे जुड़ जाते तो एक कंपनी नहीं बिकती, एक फैक्ट्री नहीं बिकती, एक रेलवे स्टेशन नहीं बिकता, एक हवाई जहाज नहीं बिकता, तो हमारे बच्चों को इसमें नौकरियां मिल जाती, अब क्या करोगे आरक्षण का, जब नौकरियां जब सारे सारे डिपार्टमेंट बिक गए तो लेके बैठे रहो, आरक्षण तो खत्म कर दिया, आरक्षण का शोर मचाते रहे कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, आरक्षण बताओ ये कमेटी, आरक्षण बचाओ वो कमेटी, और आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण बचाते रहेंगे, इतनी समझ में नहीं आई कि अगर आरक्षण बचाना है तो कंपनियों को बचाना है, उन डिपार्टमेंट को बचाना है जो सरकारी डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट तब बचेंगे जब वो सारे डिपार्टमेंट आपस में मिल जाएंगे, ये खेती किसानी मजदूरी तब बढ़ेगी, तब बचेगी जब सारे मिल जाएंगे, और हम सब तब बचेंगे जब हम सारे मिल जाएंगे। तो हमारे जो लोग हैं जो नए आते हैं पहली बार, उनको बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़ी खुशी होती है, खुशी इस बात की होती है कि चलो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पूरे देश और पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए, हमारे लोगों को आना चाहिए, हम बचेंगे, तो बाबा साहब की महापुरुषों की बात को कम से कम कह तो रहे हैं। तो दूसरा उनको ये होता है कि भाई करेंगे कैसे, क्योंकि 70 साल में हुआ नहीं, और वो ये जानना चाहते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है, क्योंकि उस नए आदमी के दिमाग में जो उद्देश्य आता है पहला, वो ये आता है कि राजनीतिक पार्टी ताला चाबी कब खोलेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में ताला चाबी लगा रखा है, उसके दिमाग में एक बात सेट कर रखी है
कि सारे बीमारियों की जड़ ताला चाबी है। अरे भाई, वो ताला चाबी जंग खा चुका है और दिमाग को खा चुका है। वो कई बार खुला और कई बार बंद हो गया, उससे समस्या नहीं सॉल्व होने वाली। समस्या सॉल्व होगी संविधान से, और संविधान ताला चाबी से नहीं चलता। संविधान चलता है लोगों के मत से, और लोगों का मत एमपी एमएलए से नहीं चलता। एमपी एमएलए तो शैडो प्रतिनिधित्व होते हैं। दरअसल जो एक्चुअल प्रतिनिधित्व होता है, जो एक्चुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो तो हम लोग हैं, वी द पीपल हैं। हम अपने एक शैडो को, अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं, हम भेजते हैं उसको कि तू हमारी बात जाके वहां करना। वो दरअसल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कि जैसे हम अपने घर में हम किसी बच्चे को भेजते हैं कि जाओ उसके बर्थडे में चले जाओ, जाओ वहां जाके 100 रुपए दे आना, जाओ हमारा शगुन वहां लिखवा देना, जाके वहां 101 रुपए देना या ये गिफ्ट देना, तो पूरा घर उसको डायरेक्ट करता है, पूरा घर उसको कहता है कि एक आदमी चला जाएगा शादी में, जाके वहां दे आएगा लिफाफा, जितना देना है। वो लिफाफा भी वही लोग तय करते हैं, और उसको ये भी कहते हैं कि तू जल्दी जाना, और जल्दी आना, और 10 बजे से पहले आ जाना, 11 मत बजाना रात के, ऐसा भी कह के भेजते हैं। तो डायरेक्शन मिलती है, तो बेसिकली पूरा हाउस, पूरा घर उसको डायरेक्शन देता है। वैसे ही संविधान में लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन है वो वी द पीपल देगा, डायरेक्शन एमपी एमएलए नहीं देगा। एमपी एमएलए को जो डायरेक्शन देगा, जो पार्लियामेंट को डायरेक्शन देगा, वो वी द पीपल देगा। और वी द पीपल का जो मालिक है वो तो नेता हो गया। वी द पीपल को तो उसने कभी बताया नहीं कि वी द पीपल आप लोग मालिक हो, हम भारत के लोग मालिक हैं। वो तो कहता है कि मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं मालिक हूं। तो हम उससे पूछते हैं, तुझे नेता हमने तो बनाया नहीं, तू बन क्यों गया? क्योंकि वो चालाक है, वो शातिर है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर नेता चालाक और शातिर नहीं होगा तो वो लड़ेगा कैसे? इसलिए उसका गुण है चालाक और शातिर होना चाहिए। मगर जो शेर होता है वो दुनिया का शिकार करता है, मगर अपने बच्चों का शिकार नहीं करता। जानवर कितना भी खतरनाक हो, कितना भी चालाक हो, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए शिकार करता है, उनके खाने के लिए शिकार करता है। अरे भाई, तुम तो हमारा ही शिकार कर रहे हो, तुम तो अपने बच्चों का शिकार कर रहे हो, अपने ही बच्चों का शोषण कर रहे हो, अपने ही बच्चों को लूट लूट रहे हो, अपने ही बच्चे को खा रहे हो, अपने बच्चों की नौकरी खा गए, अपने बच्चों के अधिकार खा गए, अपने बच्चों की एजुकेशन खा गए। इकट्ठे हो जाते, खड़े हो जाते तो बच जाते, हम बचते तो तुम भी बच जाते। तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि नेता किसके बनोगे? अगर प्रजा खत्म हो गई, जनता खत्म हो गई, तो तुम्हें नेता कौन कहेगा? अब वो लोग तो नेता तुम्हें बनाएंगे नहीं, जिनको तुम दुश्मन दुश्मन कहते हो या दुश्मन दुश्मन कह के बात करते हो, वो तुम्हें नेता बनाएंगे नहीं, और यहां कोई बचेगा नहीं। तो अनंत, तुम भी मारे जाओगे। तो चालाक बनो, चतुर बनो, अच्छे खिलाड़ी बनो, मगर मूर्ख तो मत बनो। अपनी मूर्खता का परिचय तो मत दो। अरे, अपने लोगों को ही खत्म कर दोगे तो नेता किसके बनोगे? इतना तो सोच लो। तो इसीलिए इकट्ठे हो जाओगे, तुम्हें बचना है। तो वो बचने के लिए, इकट्ठे होने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो डेंजर जोन में नहीं आए, उनको अभी कोई डेंजर नहीं है, उनके बच्चे वगैरह सारे फिट हैं और सेट हैं। तो यहां हम जो इकट्ठे होते हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे बचने चाहिए, हम बचने चाहिए, हमको सारे वो अधिकार मिलने चाहिए जो हमारे बाबा साहब ने दिए थे, और जो 70 साल में चले गए, और जिसको हमारे लाखों लोगों के संगठन बना रखे हैं, वो इकट्ठा नहीं कर पाए। कई आदमी ये सोच सकता है कि जी सारे संगठनों को ऐसा बोल दिया, आज हम यहाँ हैं तो संगठन की वैसे हैं। हम संगठन की वैसे नहीं है, संगठन हमारी वैसे हैं। हम जो मूर्खता कर रहे हैं, हम जो बेवकूफी कर रहे हैं, हम जो लाखों संगठनों को ये मान के चलते हैं कि जितने ज्यादा संगठन होंगे उतने ज्यादा हमारा कल्याण होगा, ये मूर्खता हमारी है। और हम जो हर संगठन को कुछ ना कुछ दे आते हैं, वो और भी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका काम चल रहा है और ये हमें देते हैं। बहुत ज्यादा संगठन लोकतंत्र में जहर का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि जिसका जितना बड़ा समूह होगा, उसको संविधान में उतनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान में उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर लाखों संगठन होंगे, तो लाखों संगठन छोटे छोटे समूह में होंगे, तो हिस्सा कैसे मिलेगा? तो छोटे समूह वालों को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि उनका कोई हिस्सा भी है, उनको तो भगा देंगे। मगर अगर ये छोटे छोटे समूह, जो सच में पहले से समण समाज रहे हैं बहुत पहले से, अगर ये अब 9:22 पे 121 लोगों के सामने ये डिक्लेयर कर देते हैं आज अभी कि हम सब अब एक हैं, तो 9:23 पे हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। ये हमारा उद्देश्य है। तो लोग पूछते हैं कि सारी समस्या इकट्ठे होने से कैसे हो जाएंगी? तो हम ये कहते हैं कि आप हमें ये बताओ कि इकट्ठे होने से कौन सी समस्या सॉल्व नहीं होती, ये बता दो डेमोक्रेसी के अंदर। राजतंत्र में तो मान लेंगे, जब संविधान खत्म हो जाएगा तब तो मान लेंगे
कि आपकी कोई समस्या इकट्ठा होने से सॉल्व नहीं होती, वरना अगर आप इकट्ठे हो जाओगे तो हो सकता है राजा आप पे कोड़े लगवाए, पिटाई करवाए, गोली चलवा दे, क्योंकि राजतंत्र है, संविधान का तंत्र नहीं है, वहां प्रतिनिधि नहीं है। मगर इकट्ठे होने से कौन सी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती संविधान के रहते रहते, इसका कोई एक व्यक्ति अगर जवाब दे दे कि ये समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम उसको बताएं कि भाई संविधान के अंदर हर वो शक्ति, हर वो ताकत, हर वो डिसीजन की पावर लोगों के हाथ में होती है और मेजोरिटी के हाथ में होती है। इकट्ठे हो जाओगे तो मेजोरिटी हो जाएगी, एमपी एमएलए ना भी चुनोगे, किसी और भी पार्टी के होंगे तो वो रह नहीं पाएंगे। आप सड़क पे आ जाओगे तो सड़क पे आते ही संविधान बदल जाता है, संविधान बच जाता है। तो लोग इसको यकीन नहीं करते कि सड़क पे आते ही संविधान कैसे बच जाता है। सड़क पे आना तो मैं बहुत बड़ा बता रहा हूं आपको, आपका अगर ये भी पता चल गया कि आप इकट्ठे हो गए हैं तो भी आपकी सारी बातें मान ली जाती हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारा एक एससी एसटी एक्ट को निकाल के फाड़ के संविधान से फेंक दिया और वो सड़क पे पन्ना पड़ा हुआ था, कोई एमपी एमएलए उसको जोड़ने के लिए नहीं आया, ना ही किसी ने देखा, सब जगह हाथ पर मारे, अनंत लोग सड़क पे आए और वो पन्ना अपने आप जुड़ गया, किसी ने डिमांड नहीं किया, वो अपने आप जुड़ गया सिर्फ आधे दिन की सड़क पर खड़े होने से। और ऐसा ठीक समझो कि अगर आप खाली इकट्ठे हो जाते हो, सड़क पे भी नहीं आते हो, तो कैसे आपका काम हो जाता है, जैसे सिख और सरदारों का हो जाता है। 2 करोड़ सरदार एक साथ इकट्ठे हैं, उनका सिस्टम बना हुआ है और उन्होंने जो आनंद कारज मैरिज है, जो मैरिज एक्ट है, उनका पर्सनल लॉ है, वो उन्होंने पास करा लिया और वो ना सड़क पे आए, ना उन्होंने एजिटेशन किया, सिर्फ एक लेटर लिखा और उस पर उनका आनंद कारज का एक्ट बन गया। तो जब उनको पता चलता है, जब संविधान को ये पता चलता है कि ये लोग इकट्ठे हैं, तो संविधान उनके सामने झुक जाता है, क्योंकि संविधान की जो पावर है उसके लिखे हुए अक्षर में नहीं है। संविधान की पावर पहले उस सेंटेंस में है जिसमें होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान सारा का सारा हम भारत के लोग है, संविधान एमपी एमएलए नहीं है, वो वी द पीपल ऑफ एमपी नहीं बोलता है, वो एमपी नहीं बोलता है, ना एमएलए बोलता है, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है। तो हमारे ही सामने झुकता है संविधान, संविधान जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही ज्यादा झुककर कहता है कि मैं आपकी सेवा में हूं, बताइए क्या हुक्म है मेरे आका। ये तब होता है जब आप सड़क पर आ जाते हैं, ये तब होता है जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, तब आप अपने संविधान को आदेश देते हैं को ए संविधान हमारे लिए नौकरी का दरवाजा खोल, तो वो कहता है खुल जा सिम सिम, और आपकी नौकरी के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका बताइए, तो आप कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए बेरोजगारी में जो भत्ता मिलता है, बेरोजगारी अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसका रोजगार उसका जुगाड़ कर, तो कहता है ठीक है मेरे आका, और उसमें वो पन्ना जुड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि भारत का कोई भी बेरोजगार होगा उसको 20,000 रुपये महीने मिलेंगे या सरकार उसको नौकरी देगी, ये सरकार का काम है जैसे दुनिया में मिलता है। तो ये जो खुलजा सिमटिम है ये तभी होता है जब इसके सामने आप खड़े हो जाते हैं, या उसको ये पता होता है संविधान को कि ये लोग इकट्ठे हैं, दुनिया की कोई ताकत उस दरवाजे को खोलने से बंद नहीं कर सकती, इसलिए हमें इकट्ठा होना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो लोग सोचते हैं शुरू में जो नए आए हैं क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, दसियों हजार पॉलिटिकल पार्टी हैं, वी द पीपल कोई संगठन नहीं है, वी द पीपल संघ है और संघ में पार्टियां सारी की सारी उसका हिस्सा होती हैं। तो वी द पीपल कहता है कि सारी पार्टियां इकट्ठे होकर आइए और बैलेट पेपर लेके आइए, तब वी द पीपल आपके लिए ये कहेगा कि ये पार्टी एक जो है वो समण समाज की है और लोग उसे अपने आप ही चुनेंगे और अपने आप ही करेंगे और वो अपने आप आगे बढ़ेगी। लोग कहते हैं तो क्या प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, क्या कोई धम का काम करेंगे, क्या 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों को धम्मिक बनाएंगे? तो वी द पीपल कहता है कि धम्मिक बनाने का काम वी द पीपल का नहीं है, लोग जिस मत में जाना चाहें संवैधानिक रूप से जा सकते हैं, वी द पीपल समण संघ है, समण लोग जो भी पद्धति अपनाना चाहें, जो भी मत अपनाना चाहें, जो नियम अपनाना चाहें, जो उनकी आस्था है वो उसमें अपना सकते हैं, वो उनका राइट है, मगर समण व्यक्ति अगर है तो वो समण संघ में आता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ है, चाहे वो माँ के पेट में है, चाहे वो मरने वाला है, अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो वो समण संघ का, वी द पीपल का मेंबर है, चाहे भले ही वो इनएक्टिव है, चाहे भले ही अभी तक वी द पीपल के लोग उस तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, चाहे पहुंचे हैं या ना पहुंचे, मगर वो समण समझ का अंग रहेगा। ठीक कैसे, जैसे इसराइल में रहने वाला कोई भी जो यहूदी है, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, वो इसराइल का नागरिक होता है, ठीक वैसे ही ये पुराना सिस्टम है बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले का, कि कोई कहीं भी रहे वो अगर गणराज्य का है, संघ गणराज्य का है, तो वो उसका मेंबर होता है।
तो सारे मेंबर हैं, कुछ इसमें एक्टिव मेंबर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, वो एक्टिव मेंबर हैं, कोई इससे रूठ के जाता है, कोई इसके इससे हटता है या कोई इससे काम नहीं करता है, तो भी वो व्यक्ति समर संघ का मेंबर रहेगा और वो मेंबर आजीवन उसकी मेंबरशिप है, वो उसका राइट है, वो उसके पास हमेशा रिजर्व है और वो रहेगा, कोई व्यक्ति इससे बाहर नहीं जा सकता। तो धम्मिक बना के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक मत का देश बनाया है, वो तरक्की का रास्ता नहीं है। मगर बाबा साहब ने अम्बेडकर ने चूंकि इसलिए कहा है कि आपका ये अपना पुराना तरीका है और ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, इसलिए आप अगर धम्मिक होते हैं तो रिलीजियस नहीं होते। यानी जो व्यक्ति बुद्ध को अडॉप्ट करता है वो रिलीजियस नहीं होता, वो नॉन रिलीजियस रहता है, उसकी आइडेंटिटी नॉन रिलीजियस रहती है, क्योंकि धम्म कोई रिलीजन नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने यहाँ की वो पद्धति दी जो संघ की पद्धति है। बेसिकली बाबा साहब आपको संघ में लेके आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको संघं शरणं गच्छामि वाली जगह पहुंचाया, बुद्ध के पास पहुंचाया कि संघ यहां से चलता है, संघ के नियम यहां है, ये सोच उनकी रही है ताकि ये पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो जाए। इसलिए उन्होंने धम्मं शरणं गच्छामि किया ताकि आप संघ की शरण में जाएं और एक साथ इकट्ठे हो जाए, जैसे बुद्ध ने इकट्ठा किया और अशोक ने महाभारत बनाया। तो कुछ लोग पूछते हैं तो क्या सरकारी कर्मचारियों का कोई संगठन बनाना जाएगा? सरकारी कर्मचारियों के सारे संगठन वी द पीपल में आएंगे और वी द पीपल में है क्योंकि वो समर समाज के हैं और वो सारे ही एक होने की उनसे अपील की जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या जो लड़के दलबल के हैं, टाइगर फोर्स और ये सब उन्होंने बना रखा है, उनसे क्या कहेंगे? तो उन लड़कों को भी ये कहते हैं कि आप सब इकट्ठे होकर आ जाइए, क्योंकि सबको परिवार में रहना चाहिए। अगर परिवार में नहीं रहेंगे तो लड़के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरा उनके अंदर लड़कपन है, उन्हें पता ही नहीं कि पानी कहाँ ठहरता है और कहाँ नहीं ठहरता। उथला पानी होता है तो उथला पानी किसी काम का होता नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं तो क्या सामाजिक संगठन वी द पीपल सामाजिक संगठन की तरह काम करेगा, सांस्कृतिक बदलाव करेगा, कल्चरल रिजोल्यूशन लेकर आएगा? तो उनको कहते हैं वी द पीपल कि वी द पीपल समय है, वी द पीपल के करोड़ों लोग हैं, उसमें जो सांस्कृतिक काम करना चाहते हैं वो एक साथ करें, मगर एक साथ करें। ये जो लाखों संगठन हैं जो कल्चरल काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, जो सोशल रिवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि वी द पीपल का जो उद्देश्य है या जो कंसेप्ट है वो गलत है। कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, मगर कुछ लोगों को लगता है कि कंसेप्ट अच्छा है तो इसमें कोई नेतृत्व होना चाहिए, कोई नेता होना चाहिए और वो नेता मैं होना चाहिए, ऐसा सोचकर वो इसमें आते हैं और फिर मायूस होकर चले जाते हैं। क्योंकि वी द पीपल कहता है कि संघ का कोई नेता नहीं होता, संघ का कोई नेतृत्व संघ ही करेगा, संघ का कभी नेता नहीं हो सकता, और जिस दिन संघ का नेता बनेगा संघ खत्म हो जाएगा, फिर ये संगठन बन जाएगा, तो आप लोग इसको छोड़ के चले जाना, फिर कोई उम्मीद नहीं है हमारे पास में। क्योंकि अगर संघ भी संगठन में बदल जाता है और यहां भी व्यक्ति आता है और व्यक्ति नेता बन जाता है और संघ के नियम नहीं चलते हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तो छोड़ के जाऊंगा ही जाऊंगा, आप भी तुरंत छोड़ देना जिस दिन ये संघ संगठन बन जाए और इसमें कोई नेता या हम चुन लें। क्योंकि संगठन में, संघ में नेता का नेतृत्व संविधान के अकॉर्डिंग है, सामूहिक नेतृत्व होता है, कोई फेस के लिए तो बन सकता है, तो यहाँ कोई अकाउंट भी नहीं खुलता, क्योंकि संघ का कोई अकाउंट नहीं होता, संघ पैसा नहीं मांगता किसी से भी, ये संघिक खासियत है। और संघ कभी मरता नहीं, संघ कभी नहीं मरा, आज तक भी संघ नहीं मरा, जो बुद्ध ने बनाया है वो भी पूरी दुनिया में चलता है, क्योंकि संघ में लोग मरते हैं। संगठन में नेता मरता है तो संगठन मर जाता है, मगर संघ में अगर लोग मरते हैं तो संघ नहीं मरता, क्योंकि संघ जीवित रहता है। लोगों के आने और जाने से संघ खत्म नहीं होता, ना ही संघ कमजोर पड़ता, क्योंकि लोग कितने भी आए जाएं वो रहेंगे इसके मेंबर ही, वो इसकी मेंबरशिप छोड़ ही नहीं सकते, उनके पास राइट ही नहीं है, वो जाएं ना जाएं, कुछ इसके अगेंस्ट में करें, संघ को तोड़ें या फोड़ें, कुछ भी करें, संघ में बात करें ना करें, काम करें ना करें या खूब काम करें, संघ इंटैक्ट रहता है। इसलिए संघ पावरफुल है, इसलिए हमारी जीतने की गारंटी 200% है, हमारे जिंदा रहने की गारंटी 200% है, हम मर नहीं सकते, हम बचे इसलिए हैं क्योंकि बुद्ध के संघ की ताकत हमारे साथ रही है, और हम जीते इसलिए हैं क्योंकि भारत के गणराज्य संघ का संविधान जो संघ में है वो हमारे ऊपर 70 साल से कवर बनकर है, जो संघ पर आधारित है, वो भी संघ है जिसने भारत को संघ बना दिया, और हम जीतेंगे भी इसलिए क्योंकि हमने संघ बनाया है, और वो वी द पीपल जो संघ समर संघ है वो हमें आगे जाके लेके जाएगा। इसलिए बेफिक्र होके आंख बंद करके इसके ऊपर पूरा का पूरा एनर्जी आप लगा सकते हैं, यहाँ सब व्यक्ति एक के बराबर एक हैं, ये संघ है, समर संघ है, इसकी परिकल्पना है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जिद जुड़ने की है, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, पहले भी जुड़े हैं तो पहले भी जीते हैं, अब फिर जुड़ेंगे फिर जीतेंगे, जितने जितने अभी तक हम जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं, और जितने जितने हम टूटे हैं उतने उतने हम हारे हैं, अभी अगर जुड़ेंगे तो अभी जीतेंगे और 100 साल बाद जीतेंगे, जुड़ेंगे तो 100 साल बाद जीतेंगे। इसलिए जिद्द है
जिंदा रहने की, इस बार जिंदा रहने की जिद है, जैसे हमारे महापुरुषों के सामने थी, इस बार जिंदा रहने की जिद है। और ये जिद हम तब पूरी कर सकते हैं, हम तब बच सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ना नौकरी है, ना पैसा है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना नौकरी है, ना दुकान है, ना बिजनेस है, ना विदेश में हम जा नहीं सकते। यहाँ नौकरियां जात पूछ के मिलेंगी, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, ले दे के हमारे पास सिर्फ एक चीज है, जनसंख्या, जनबल। और वो जब तक संविधान रहेगा तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। संविधान चला गया तो वो जनबल बेकार हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो ठीक ऐसे है कि जैसे आपने आपके हाथ में 1,00,000 रुपए का चेक आया, मगर उस चेक की अगर डेट निकल गई, फिर वो चेक कागज का टुकड़ा है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। वैसे ही अगर आप इकट्ठे होते हैं और जल्दी इकट्ठे होते हैं और टाइम से इकट्ठे होते हैं, तो वो चेक कैश हो जाएगा संविधान में जाके, तो आपके अधिकार बच जाएंगे। फिर अगर राजतंत्र में या संविधान चला गया, आप इकट्ठे हुए और आप 110 करोड़ भी इकट्ठे हो गए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजा की चलती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इकट्ठे हो जाइए अगर जीतना है। और उन संगठनों को बोलिए, उन संगठनों को पहले प्यार से बोलिए, श्रीमान जी आप इकट्ठे हो जाइए। प्यार से ना माने तो फिर उनसे पूछिए, श्रीमान जी क्या ये संगठन आपके पिताजी का है, क्या आपके पिताजी इसके वारिस हैं? प्यार से पूछिए, पिताजी पिताजी करके पूछिए, फादर फादर करके पूछिए। तो उससे पूछिए, अगर वो ये कहता है कि मेरे पिताजी का संगठन है तो उसको छोड़ दीजिए, और वो ये कहता है कि मेरे पिताजी का संगठन नहीं है, समाज का संगठन है, तो उसको कहिए कि समाज का आदेश है कि इकट्ठा होना है। और अगर वो फिर भी इकट्ठा ना हो तो उसको फिर छोड़ दीजिए। ये कठोर कदम आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं तो, और अगर आपको अपने बच्चे नहीं बचाने हैं तो फिर आप उनको कुछ मत कहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हमें मरवा रहे हैं, मरवा देंगे। हाँ, इतना जरूर है, हम इसलिए प्रयास करते हैं कि आपके बच्चे बचेंगे तो हमारे बच्चे भी बच जाएंगे। हमें इतना अफसोस रहेगा कि हमने पूरा प्रयास किया था, आप नहीं समझ पाए, बच्चे आपके भी मर गए और आपके साथ हमारे भी मर गए। बाबा साहब की बात नहीं मानी इसलिए मर गए, काश बाबा साहब की बात समय से पहले मान ले देते तो हम सब बच जाते और हम राजा भी बन जाते। चाहे राजा बने ना बने, मगर हम बहुत अच्छी पोजिशन में आ जाते। धन्यवाद। थैंक यू सुधीर जी, साधु साधु। पहले जिनको आता है, नहीं नहीं, एक महत्वपूर्ण दो जी, एंड्रेज वही कर सकता है जो पुराना हो जाएगा। हमने भी कई दिन में सीखा था ये। जय भीम नमो बुद्धाय टू ऑल रिस्पेक्टेड बी द पीपल ऑफ इंडिया ग्रुप मेंबर सत्यवान फ्रॉम कलकत्ता। नमो बुद्धाय, जय भीम सत्यवान साहब। इनकी आवाज सुनने के लिए अपने मोबाइल पर ले कई दिन। सत्यवान जी की आवाज कलकत्ता से आ गए। हाँ सर, हेनरीज आगे हैं। प्रकाश जी शुरू करें। जी जी जी, हाँ मानसी जी, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप जो है, आपका स्वागत है और आप विदा पीपल में आज जुड़े हैं, कहाँ से और कैसे जुड़े हैं, और थोड़ा सा एक मिनट में अपना परिचय के साथ में आप आए। जी मानसिंह जी, योगेश जी को ले लीजिएगा अगर वो नहीं आ पा रहे। योगेश जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो आइए। योगेश कुमार वंशी जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम रश्मि है और मैं अपने हस्बैंड की आईडी यूज कर रही हूँ, इसलिए उनका नाम योगेश कुमार वंशी आ रहा है। जी 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 जी, बताएं अपने बारे में कुछ, अपना पूरा परिचय दें आप। सर मैं एक शिक्षिका हूँ प्राथमिक विद्यालय में, और मुझे इसका पता हमारे हेड टीचर हैं जो इस ग्रुप से मतलब आपकी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, उनके थ्रू पता चला था इसका। बहुत अच्छे, आपको महिलाओं की मीटिंग होती है उसके बारे में जानकारी है बहन जी? नहीं सर, उसके बारे में तो नहीं पता है। हाँ देखिए, अब ये जानकारी 10 तारीख 20 तारीख और 30 तारीख को महिलाओं की विशेष मीटिंग होती है। एक तो निवेदन ये है कि आप उससे जरूर जुड़े, और दूसरा ये है कि आप डेली जुड़िएगा और लोगों को भी जुड़िएगा, और बहनों को जुड़िएगा और भाइयों को जुड़िएगा। रश्मि जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। अमरोहा, किसने आपको लिंक दिया था, किसने आपको अवगत कराया था विदा पब्लिक के विषय में?
सर एक्चुअली ग्रुप है एक विद द पीपल नाम से, उसी में देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अमरोहा से काफी साथी हमारे शिक्षक साथी जो हैं जुड़े हुए हैं जी, तो आप लगातार जुड़ते रहें। आगे मेरा अनुरोध रहेगा हाकिम सिंह जी से, हाकिम जो टीचर के नाम से उनका आरा आईडी, आप आए और अपना परिचय बताएं और विदा पीपल के विषय में जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है उसके विषय शेयर करें। हाकिम जी, सभी को जय हो। मेरा नाम हाकिम सिंह और मैं भी बेसिक टीचर हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग हूं। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आवाज का आवाज नहीं आ पा रही है। इस प्रोग्राम में पहले भी चुका हूं। जब आपका नंबर आएगा जी जी बोलिए। जी सर, मैं इस प्रोग्राम में पहले जुड़ चुका हूं और दोबारा पार्टिसिपेट कर, बीच में मुझे आपका लिंक नहीं मिला था, आज मुझे लिंक मिला तो मैं उसमें दोबारा जुड़ा और काफी अच्छा प्रयास है इस ग्रुप का जो है, और काफी सकारात्मक सोच मिलती है और हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमारा समाज देश जिस स्थिति में है। आपका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया है, आप अपना माइक खोलिए प्लीज। हाकिम जी अपना माइक आप अनम्यूट करिएगा। प्रकाश सिंह सर, मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा हूँ, मैं मोबाइल से आउट हो जाता हूँ। ठीक ठीक सर, हो जाइए आप। अभी शायद हाकिम सिंह की आवाज नहीं आ पा रही है। आगे मेरा अनुरोध रहेगा हंसराज जी से कि वो आए अपना परिचय दें और उसी क्रम में बताएं कि विदा पीपल की जानकारी कहां से मिली और क्या समझ है अभी तक विदा पीपल के विषय में। हंसराज जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। वैसे मैं पीछे से तो राजस्थान से हूँ, गंगापुर सिटी करौली माधव डिस्ट्रिक्ट जी। बताएं जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। सर पीछे से तो राजस्थान से हूँ, अभी फिलहाल मैं फरीदाबाद में जॉब करता हूँ सर, प्राइवेट जी। और मुझे एक फ्रेंड ने लिंक भेजा था ये, वैसे मैं इस लिंक से जुड़ने वाले सभी जो हमारे महानुभाव जो जुड़े हुए हैं उनसे, काफी लोगों से फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैं सुनता रहता हूँ जी। जैसे हमारे सुधीर लाल सर है और डॉक्टर लाल सिंह जी है, तो उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी है मेरे पास और काफी बार शायद मैं उनसे मिला भी हूँ, तो इस तरीका से उनके यूट्यूब से तो पहले से भी जुड़ा रहता था। अब मुझे ये प्लेटफॉर्म देख के बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझे बताया, मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिला हमको जो सारे देश में सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर के कार्य करें, बाबा साहब और गौतम बुद्ध के सपने को साकार करें, हम संविधान की रक्षा के लिए जितना कुछ कर सकते हैं सब मिलकर के करें, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं तो चाहता हूँ कि सभी जितने राजनीतिक दल है टुकड़ों में ना टूटे और सब एक साथ रहे तो उसकी अलग ही बात होगी, हम तभी कामयाब हो सकते हैं। हंसराज सिंह जी, हंसराज सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हंसराज जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, जिन साथियों के प्रयास से आप निरंतर जुड़ रहे हैं और आप जितना समझ पाए हैं विदा पीपल को, क्योंकि इसमें विदा पीपल में हम सभी बराबर हैं और सभी जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो नए साथियों को जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आपसे भी निवेदन है, आपके जो परिचित साथी हैं उनको भी लिंक आप भेजें, उनको विदा पीपल के विषय में बताएं और उनको पोर्टल तक कोशिश करें कि वो आए और यहाँ पर अपना प्रतिभा करें ताकि हम इस दिशा में और आगे बढ़ सके। थैंक यू हंसराज जी। यस सर, यस बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं, सारे ग्रुपों में यार दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, उन्हें कह भी रहे हैं पर्सनली भी कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ये भारतीय संविधान की रक्षा के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मनुवादी लोग हैं, इनके षड्यंत्रों को समझना बहुत मुश्किल काम है और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इस तरीका से इसका समाधान कर सकते हैं जी। बहुत अच्छे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी हम सब मिलके करेंगे सर जैसा होगा। हाँ सर, मान सिंह जी हैंड्स रेज है तो मान सिंह जी आए अपनी बात रखिए। मान सिंह जी हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय साहब।
जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ साहब जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं साहब? जी आ रही है आपकी आवाज। जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी, अपने बारे में बताएं सर कुछ। सर मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर मान सिंह, आर्मी से रिटायर्ड हूँ साहब मैं, और मेरे को आपका ये लिंक हमारे चाचा जी हैं जयपाल सिंह बोध, उन्हीं से मिला है और उन्होंने हमारे को मोटिवेट किया था, तभी मैं आपसे जुड़ पाया हूँ। और इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता व्हाट डू एंड हाउ टू डू, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ करके, वैसे हमारे ओनर हैं जयपाल सिंह गुणपाल, वो बताते रहते हैं, अभी आप लोग जैसा गाइड करोगे वैसे ही फॉलो कर लेंगे सर। जी अवश्य अवश्य, आप जुड़ते रहिएगा, और भी जो अपने साथी हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम समाज की रक्षा के लिए भी एक जगह इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के अपनी जीत का आप सुनिश्चित करें हम लोग। तो सुंदर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके लिए, आप जुड़ते रहें और लोगों को भी जोड़िएगा आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जय भीम नमो बुद्धाय सर। चमन विरडे जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, चमन विरडे जी अगर सुन पा रहे हैं तो आए, अपना परिचय दें और एक मिनट में भी बात रखें विदा पीपल के विषय में, क्या आप समझ पाए अब तक? चमन विरडे जी सुन पा रहे हैं? चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी जुड़े हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो आए। कोई साथी रेडमी से जुड़े हैं? रेडमी से जो साथी जुड़े हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी जो प्रथम बार जुड़े हैं उनको पहले उनका परिचय जो है वो किया जाए। रेडमी के नाम से जो भी साथी जुड़े हैं आए। ईश्वर जी सोलंकी, वसंत भाई जी सोलंकी, वसंत जी जुड़े हर बीच में अगर सुन पा रहे हैं। वेद प्रकाश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना परिचय दें। वेद प्रकाश जी चंद्र प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी बुलाए सिंह साहब, चंद्र प्रकाश जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप तो कृपया आए और अपना परिचय दीजिएगा, अपने बारे में कुछ बताइए। चंद्र प्रकाश जी, क्या वेद प्रकाश जी बात सुन पा रहे हैं? श्रद्धे वेद प्रकाश जी सिंह साहब, एक शाल है जम्मू से, एक सतबीर पटिया इनको बुला, शशि शाल, शशि साहब बुलाइए, शिशाल और सतवीर पूनिया जी। जय भीम नमो सर जी। जय भीम नमो जुड़े हो, चलो थोड़ा सा 5-7 दिन से जुड़े सर जी, ठीक हो? हाँ हम लोग ठीक हैं। आप बताओ, परिचय दो और थोड़ा जम्मू में कुछ। हाँ मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, शिशाल जी जम्मू से। जी जी, और हेलो जी, सुन रही हाँ, मैं हफ्ता हो गया, मैं रोज जुड़ता हूँ मीटिंग से, तो बहुत अच्छा लगता है, देश के कोने कोने से सभी अपने सामाजिक अच्छे अच्छे विचार जो आप लोग देते हैं, और बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है और सीखने को मिलता है। अब इससे आप क्या सीख लेंगे? हाँ सीख तो मैं यही रहे हूँ, ऐसा होना चाहिए, पूरे देश के लोग एकजुट होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये जो हम जाति में बंटे हुए हैं और दम तो हमारा कोई है नहीं, ऐसे ही लड़क रहे हैं जैसे तोरी लड़कती है, जाति में बांट के रख के दिया, मजे तो हमारा कोई है नहीं जी, क्या कहें हम अपने आप को।
लेकिन यह है कि मैंने आज से 10-15 साल पहले आज तक कहीं भी कोई कॉलम भरने को आया मैंने अपने आप को बुद्धिस्ट ही लिखा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। जितने भी मैंने कहीं भी कोई ऐसा आया ना कॉलम तो मैंने बुद्धिस्ट ही लिखा अपने आप को। तो ऐसा ही आज जम्मू से, जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ो थोड़ा। सर जी आपको मैं बताता हूँ कि आज जो मीटिंग के लिए मैंने कम से कम भी 7-8 ग्रुपों में डाला है लिंक जी। जो सामाजिक ग्रुप है, अंबेडकरवादी ग्रुप है, और उसके अलावा 3-4 ग्रुप जो है वो बुद्धिस्ट है जी। जो लॉर्ड बुद्धा के नाम पर वो ग्रुप भी चला रहे हैं और संस्था भी चला रहे हैं, लेकिन मुझे खुद अफसोस होता है और दुख भी लगता है कि एक भी आदमी साथ नहीं जुड़ पाया। रोज मैं उनको ये लिंक भेजता हूँ। कोई बात नहीं, आप निराश खास है, आप निराश और हताश ना हो। आप ग्रुप में डालने के साथ साथ 4 लोगों से बात करिएगा और उनसे कहिएगा कि भाइयों आप इसका विदा पीपल का हिस्सा बने और अपने परिवार में एक साथ जुड़े। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विदा पीपल की वीडियोज है वो भेज देंगे, वो भी डाल दिया करो, मैं डाल दूंगा आपके पास। हमारे बीच में सतवीर पुनिया जी हैं, श्रद्धे सतवीर पुनिया जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी मैं सत्यवीर सिंह पूनिया हरियाणा सिरसा से हूँ और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर्ड होया हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से। ये जो वी द पीपल कंसेप्ट है ये बहुत ही मतलब समाज के सुधार के लिए बहुत ही जरूरी भी था और इसमें बहुत से लोग इस चीज को जानने लगे हैं और मैं भी इसमें जो है कुछ ने कुछ सीख रहा हूँ। बाकी मैं समाज के लिए जो हमारे बुद्धिज्म की तरफ जो चीजें हैं उनमें भी मैं काम करता हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि भी ये आगे से आगे बढ़े और मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंसान को मैं कहता हूँ भी आप एक बार विदा पीपल के साथ जुड़िए। जुड़ने से ही आपको ज्ञान होगा, जुड़ने से ही है। हम इस बारे में अवेयर हों कि हमारे साथ कौन कौन सी जातियां कैसे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किन किन देश में क्या है, विदेशों में क्या चल रहा है। तो इस बारे में मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबू जी आप जोड़िएगा और लोगों को जोड़िएगा। ये हम आपको एक इस विदा पीपल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने परिवार को और अपने साथियों को जोड़िएगा, इस परिवार को बढ़ाइएगा ताकि हमारी लड़ाई जो है ये इस लड़ाई को हम जल्दी जीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। जी सर। हाँ छन्नो सोन टाके जी हमारे बीच में हैं, मैं निवेदन करता हूँ आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं। सर मैं थोड़ी देर बाद जोड़ता हूँ सर, अभी मैं बात। अच्छा ठीक है, जो भी नए साथी जुड़े हैं मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना हैंड्स रेज कर देंगे तो हमको आसानी हो जाएगी आपको यहाँ परिचय के लिए बुलाने में। आप स्क्रीन टच करिएगा, स्क्रीन टच करके मोर पे आप दबाएंगे तो उसमें हैंड्स रेज का और चैट का निशान आएगा, तो आप हैंड रेज पे दबा देंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, उस पे हम आपको बुला सकते हैं। मदन मोहन गौतम जी हैं हमारे बीच में, मदन मोहन गौतम जी आए और अपना परिचय दें। मदन मोहन गौतम जी। पवन कुमार जी, पवन कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं, जो साथी सुन पा रहे हैं वो अपना माइक अनम्यूट करें। पवन कुमार जी, विनय वर्मा जी, जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। रामनाथ मीना राजस्थान से जुड़े हुए हैं सर जी। रामनाथ जी आप अपने बारे में बताएं सर। मैं भारतीय रेलवे में जयपाल सिंह गुणपाल जी के साथ में एक साथ भर्ती हुई है और मैंने प्रमोशन से IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज सीनियर डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर जम्मू 5 साल जम्मू से सेवा करके रिटायर हुआ हूं। इससे पहले अंबाला रहा 4 साल, इससे
पहले फिर भिवानी और हिसार, हरियाणा में मैं काफी रहा और अभी मैं अजमेर में रह रहा हूँ। वैसे मेरा बेसिक घर है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जाजपुर तहसील राजस्थान जी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से काफी लंबे समय से लगभग 1985 से हम जुड़े हुए हैं। साहब काशीराम जी से दो दफे मिलने का अवसर मिला और हमारी लाइफ बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए है केवल, क्योंकि जिन्होंने हमें इतना दिया है और वो हम कभी उनका ऋण नहीं चुका सकते, तो मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल सिंह गुणपाल जी जो हिसार में रह रहे हैं वो मेरे साथी हैं और उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आप इसके साथ जुड़े वी द पीपल और ये वर्चुअल मीटिंग होती है हमारी, तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरे भारत के अंदर आप लोग जो काम कर रहे हैं ये हम सोचते रहते थे कि कैसे हम एक हो सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने 3 सूत्र में बोला था कि संगठित रहो, वो संगठित शिक्षित हम बने हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अगर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, हम भी इसको कोशिश करेंगे कि ज्यादा ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे और पूरे देश के अंदर, हमारे पूरे भारत के अंदर हमें अपने लोगों को एक जगह लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ में लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर घमंड और अहम बहुत है। हम लोग सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, ये दुकानें हमारी कामयाब नहीं होगी क्योंकि हमारी ताकत सब बटी हुई है और एक जगह आते हैं, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं तो पूरे देश के अंदर ये क्रांति और परिवर्तन ला सकते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। रामनाथ मीणा जी, देखिए हम सभी साथी ना प्रयास कर रहे हैं अपने जितने भी परिचित साथी हैं उनको वीजा पीपल से जोड़ने की, और अगर सब हम सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे तो बहुत जल्दी शायद हम उस काम को कर पाएंगे जो अभी 70 सालों में कहीं जिसकी शुरुआत नहीं हुई थी। एक शुरुआत हुई है, आप सभी साथियों के प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निरंतर जुड़ते रहिए और बाकी साथियों को जोड़ने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में जो भी साथी प्रेमिल बोलना चाहते हैं, प्रकाश जी। हेलो प्रकाश जी। जी जी, अरे मीणा सर से निवेदन है अपना नंबर छोड़ दें चैट बॉक्स में। जी जी, रामनाथ मीणा जी अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ओके ओके, जो भी साथी हमारे अवेलेबल है प्रेमिल बोलने के लिए वो साथी आगे आए। हमारे बीच में साथियों की संख्या 50+ हो गई है, तो जी हम जो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं विदा पीपल में रोजाना की मीटिंग में प्रियम्बल से, तो सिंह साहब बुलाएं जो साथी हमारे कोई तैयार है प्रियम्बल के लिए। प्रियम्बल के लिए कोई भी साथी है वॉलंटरी अपना नाम दे सकते हैं। मेरा रख लो सर, मेरा रख लो मेरा। जी लखपत सिंह जी। जी लखपत जी, जी आपने याद किया था, मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, प्रियम्बल के बाद बोलता हूँ। ठीक है लखपत जी, आप आइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपेक्षा प्रतिष्ठा और समता के अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए सब में व्यक्ति की गरिमा एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद लखपत सिंह जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जी जी विनय
विनय वर्मा जी हमारे बीच में आ रहे थे। विनय वर्मा जी आपसे अनुरोध है कि आप अपना परिचय बताएं और वीजा पीपल के विषय में क्या आपको जानकारी प्राप्त है। आपको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं माइसेल्फ विनय कुमार वर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कासिमपुर पावर हाउस हरदोगंज अलीगढ़ जी। हेलो जी सर, बोलिए। आवाज आ रही है। मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूं और मेरी 3 साल की ही सर्विस बची है। मैं सर काम दे पाता हूं इसका मुझे अफसोस है है ना। और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग अपना अनुशासन जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है 3-4 महीने में, कुछ लोग अनुशासन की सीमा को पार कर जाते हैं जी। बस इसमें मेरा इतना ही अनुरोध था। और बाकी मेरा उसमें जो कानपुर में जो धम्म का वो है, मेरा उसमें अपना कर दिया है 20 तारीख से और 31 तारीख तक रहेगा। और मैं अभी अपने ग्रुप के सभी लोगों से कहूँगा कि वहाँ जाके धम्म की वो सीमा लें और मेडिटेशन करें, जैसे मुझे भी गुस्सा आता है लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा। डॉक्टर यूवी सिंह की सलाह पे ये सब मैंने किया है और डॉक्टर यूवी सिंह हमारे बहुत सीनियर ग्रुप के मेंबर हैं और मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज पहली बार इसी बात बोल पा रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं खाली सुनता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिएगा और साथियों को भी जोड़िएगा और अपना मोबाइल नंबर चेक। मैं सभी इंजीनियरों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इंजीनियर हमारे थोड़ा वो दूसरे तरीके होते हैं ना कि वो बिजली बिना तार के नहीं चलती। कोई बात नहीं है ना, कि हम लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं बस वही। एक्टिवेट करते रहिए वर्मा जी, जुड़ेंगे बाकी साथी भी जुड़ेंगे और अपना नंबर भी चैट बॉक्स में जो है वो शेयर करते रहे बाकी सभी साथी हमारे। मेरा नंबर 9415900008। आप चैट बॉक्स में डाल देंगे अरे कैसी बात कर रहे साहब, इंजीनियर साहब। धर्म माहे जी हमारे बीच में है। धर्म माहे जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, आप आए और अपना परिचय दे। धर्म माहे जी, परवीन नाइक जी हमारे बीच में है। परवीन नाइक जी, धर्म माहे जी का माइक बंद है, वो खोल रहे हैं। जी जी माहे जी आए। हेलो जी जी, नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को जी। जय भीम जी, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी इस कॉन्फ्रेंस में आकर, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। इंट्रोडक्शन में ही मुद्दा सामने आ गया है कि भी हम की जो कोशिश है वो सभी को यूनाइट करने की है जी। जिस तरह से ये मीटिंग इन दिनों हो रही है, बहुत बहुत अलग चैनलों पर इकट्ठा होने की और बाबा साहब के मिशन को समझने की और समझाने की, मुझे लगता है कि बहुत हमारी यूनिटी बहुत बढ़िया नंबर पे चले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोगों को जो लोग इकट्ठा रखने की ताकत रखते हैं जी, पहले वो खुद बटे हुए थे, अभी कम से कम जो हमारे चेहरे हैं जिनको हम सत्कार से बुलाते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, मुझे ऐसे लगता है अभी वो इकट्ठा हो रहे हैं और हो गए हैं बहुत से, तो उनकी सभी कोशिश से हम भी उनके साथ आ गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने देखा कि अपने सुधीर जी भी आपकी आज महफिल में है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं बात करने। आप बहुत कोशिश करते रहिए, कामयाबी हमारी अभी बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, लेकिन आपको कोशिश बरकरार रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म माहे जी, कोई और भी जुड़े हैं क्या आज इंटरनेशनल डे में? बाहर से कुछ और भी साथी जुड़े हैं क्या? मैं समझा नहीं, ये इंटरनेशनल डे है ना, बहल साहब तो अभी आए नहीं है, तो यूके से या यूएसए से कुछ और लोग जुड़े हों तो हम पहचानते नहीं ना, आप देखते रहना। मैं देखता हूँ, मैंने अभी देखा नहीं किसी को, मैं खुद भी थोड़ा लेट आया हूँ, मैं लेजी हूँ। कोई बात नहीं, अगर वो आए तो आपको सुधीर सर।
सुधीर सर मैं देख रहा हूँ, बहन साहब और कोई ओवरसीज से अगर कोई है तो मैं देख ही रहा हूँ। ठीक है, परवीन नाइक जी हमारे बीच में हैं। हेलो परवीन नाइक जी, जी हेलो सर जी, सभी जी। को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विद द पीपल से मैं काफी एक महीने से जुड़ा हूँ और मैं आपका जो अभी जो हम सबके विचार जो है मैं डेली सुनता हूँ और मैं इस संघ से जुड़ा हूँ और जो संघ में जो अनेक जो अपने जो मेंबर्स है जो सब लोग जो धम्म की बात जो धम्म की बात होती है बुद्ध की बात होती है जब जितने ही परिवर्तनवादी जो संत है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि जो हम ये विचार लेके एक संघ की विचार की ओर चढ़े चल पड़े है वो सभी हमारा जो कोई प्रयास है वो जरूर पूरा होगा और इसमें मैं भी मेरे साथियों को और जो कोई मैं पहला मैं बोलता हूँ कि मैं पहले महाराष्ट्र से पुणे से बात कर रहा हूँ। मैं पुणे से ज्यादा मेंबर्स लोगों को मैंने अभी ये लिंक भेजा हुआ हूँ और सबको मैंने विद द पीपल का जो कंसेप्ट है कि वो बताने की मैं आपने जो आपकी जो मीटिंग सुन रहा हूँ उसमें जो मुझे कंसेप्ट पता चल गई है तो वो मैं सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा यहाँ पर जो पुणे में है मेरा धार्मिक छोटा मोटा काम चलता है और हमने जो बेरोजगार लोग जो है पुणे जो बेरोजगार जो है जो महाराष्ट्र से पुणे में जो आते हैं काम ढूंढने के लिए वगैरह तो उनके लिए हमने दैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोली है। उसमें हमारे टोटल पैसे के जो पदार्थ होते हैं जो मसाला वगैरह तो हम उनको वो सबको हम ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेके देते हैं और उनको हम उनके पैरों पे खड़ा करने का छोटा सा प्रयास हमारे से चल रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता मगर हम एक मैं जो बुद्ध ओके सर ओके थैंक यू सभी को जय भीम। आपके लिए नहीं बोला है, आपके लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बोलिए जी। बहुत हमारे बीच उदयभान लांडगे साहब है वासी महाराष्ट्र से। लांडगे साहब काट के सर बुलाइए प्लीज। हाँ लांडगे साहब प्लीज अपने को परिचय दीजिए अपना और एक मिनट में बात कीजिए। लांडगे साहब क्या मेरी बात सुन रहे हैं? सबको हाँ सर हाँ सर हाँ बोलिए ना परिचय दीजिए और एक बात कीजिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं अमरावती का जो प्रोजेक्ट है। ठीक सर ठीक सर। हाँ एपीएमसी वाला मेरी तरफ से सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं वासिम डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से बोल उदयभान लांडगे और 3-4 साल से रमेश जी कटके सर है उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ सोसाइटी में अपने समाज के लिए और हमने सब मिलके ये सब हम एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं। करीबन 70 एंटरप्रेन्योर हम अमरावती के पास एक छोटा सा MIDC एरिया है वहाँ पे 70 लोग हम डेवलप कर रहे हैं और उनमें से भी हम ऐसा समाज के हित में कुछ ना कुछ हमारी जो अर्निंग होंगी वो समाज के लिए हम उसको मतलब कुछ रिजर्व फंड की तरह से रखेंगे ताकि हमारी जो भी मूवमेंट है वो काफी चलती रहे और जो अपने थॉट्स है उसका देवान घेवान होता रहेगा। और सर हमें बहुत प्रोत्साहित करते रहते हैं और सर का जो काम है पूरे महाराष्ट्र नहीं तो पूरे वर्ल्ड में भी सर जानते हैं लोग कि जब सर ने ये डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी का हाउस का ये था तब सर गए थे इंग्लैंड में सर से काफी प्रेरित लोग और यहाँ पे जब सर DDR थे वासिम डिस्ट्रिक्ट में तो हर विलेज में जाके सर ने काम किया है ताकि ऐसा नहीं था कि मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए ऐसा उनकी कोई भी उम्मीद नहीं थी और उससे ही प्रेरित हो गए। ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएं लांडगे साहब हमारा जो अभी न्यू बेरोजगार का प्रोजेक्ट। हाँ तो ये प्रोजेक्ट है तो इसमें 70 लोग है वो भी पूरे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के हैं लेकिन वो एक ही विचारधारा से जो अम्बेडकर थॉट है उस पे डिपेंड ये जो बिलीव करते हैं वैसे लोग है तो ये हम ओनियन पाउडर बना के उसको एक्सपोर्ट करना है डेवलप कंट्रीज में और वहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट है। एक तो ओनियन पाउडर बनाएंगे उसके बाद सोया बेस के प्रोडक्ट है और फिर मसाले के प्रोडक्ट है ऐसे 3 टाइप्स के हमारे प्रोजेक्ट है और करीबन इसमें जो हमारे आयुक्त है उद्योग मंत्रालय का हर्षदीप कांबले सर वो भी है उनका एक पूरा गाइडलाइन है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये 10 एकड़ लैंड हमने करीबन परचेस की है जो परचेस इन द सेंस की हमें वो दे रहे हैं अपनी ही जो थॉट्स बिलीव रखने वाले काले साहब है कोल्हापुर के वो तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और इससे 70 लोग सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो लोग है उनको
एंटरप्रेन्योर नहीं है तो उससे 70 लोग एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाएंगे, वो भी उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है उसके बावजूद भी, तो काफी बड़ी प्रोजेक्ट है ये। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आप इसी तरह से समाज के उत्थान में काम करते रहिएगा। जी सर। और सर 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे गांव में, सर को भी मैंने एक बार इनवाइट किया था जब वो डीडीआर थी, तो इस बार भी हम काफी अच्छा लेवल पे सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। और जो हमारे सभापति है समाज कल्याण के सिद्धार्थ देवरे सर, और उनको और सर को भी इनवाइट करने का हम सोच रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। सिंह साहब, योगेश जी हमारे बीच जुड़े हैं, योगेश कुमार जी, SST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में चलता है संगठन, उसके जिला महामंत्री हैं। योगेश कुमार जी आए और अपना परिचय दें और कहां से कैसे आपको ये जानकारी मिली, कब से जुड़ रहे हैं बताएं। योगेश कुमार जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहल साहब भी आ गए हैं, बता दें। जी जी, MS बहल साहब आ चुके हैं। जी योगेश जी कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ा फेस ऊपर कर लिया, आपका फेस नहीं आ पा रहा है। अच्छा, फेस नहीं आ रहा है, अब आ रहा है सर। वी द पीपल में जुड़े सभी सम्मानित परमादरणीय साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं वेस्टी शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई अमरोहा में सरकारी अध्यापक हूँ और जनपद अमरोहा का ही रहने वाला हूँ। और हमारे पूरे प्रदेश में एक संगठन शिक्षकों का चलता है, बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी जनपद इकाई अमरोहा में मैं जिला महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी हमेशा यही आशा रहती है कि मैं अपने साथियों को जोड़ने और जुड़ने का प्रयास करता हूँ। वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, बहुत अच्छी है और इसमें जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए होते हैं देश विदेश से, सभी निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं, सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट मुझे जो समझाया हमारे प्रकाश बड़े भाई जी, प्रकाश जी ने मुझे इनके द्वारा जानकारी मिली, वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है निश्चित तौर पर हमारे समाज में एक नवीन दिशा ऊर्जा प्रदान करेगा। क्योंकि हमने ये देखा है संगठन के रूप में जुड़कर, हमने बहुत जगह देखा है कि संगठन के रूप में हम केवल पदाधिकारी के रूप में बटकर रह जाते हैं, उसमें हम अपने समाज का और जो हमें जो करना चाहिए समाज के लिए जो सेवा करनी चाहिए हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। तो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर वी द पीपल जो है हमारे पूरे समाज में एक नवीन दिशा ऊर्जा का प्रदान करेगी। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में दो संशय हैं, मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि जो हमारा वी द पीपल का जो उद्देश्य क्या है, वी द पीपल का उद्देश्य क्या है और हम समाज में क्या करने वाले हैं और समाज को क्या देना चाहते हैं इसके माध्यम से, ये मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच लंदन से MS बहल साहब आए हैं। जी MS बहल सर, क्या सुन रहे हैं? बहल सर, बहल सर क्या हमारी बात सुन रहे हैं? सबसे पहले माइक खोलिए प्लीज। मैं, मेरा माइक खुला नहीं। हाँ अभी अभी आ रही है, आवाज आ रही है। कंटिन्यू प्लीज। जी सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत मंगल आपको कि आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं उससे। सर आवाज बढ़ाइए, बहल सर थोड़ी आवाज बढ़ाइए। या आप उस से एक इंच भी उधर उधर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि मेरी 23 तारीख को सर्जरी हुई थी नी, और कंप्लीट बिग सर्जरी हुई, उसकी वजह से मैं कई दिन पिछले आ नहीं पाया आपके बीच में जी। और अब मैं इसलिए आज आया हूँ, इवन आई एम स्टिल नाउ इन वेरी मच पेन, लेकिन इसलिए आया हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच आना और आप लोगों से ये ऊर्जा लेना कि भाई जो अच्छा काम है वो कैसे आदमी को जिंदा रखता है, कैसे आदमी को आगे बढ़ाता है, उसके लिए मैं आप हिम्मत जुटा के मैं बेडरूम से ही आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी अच्छी दो चीजें हुई हैं, एक तो भगवान बुद्ध की बहुत मंगल कामनाएं कि भाई हॉस्पिटल में जाना और इतने बड़े ऑपरेशन से सक्सेसफुल होके निकल आना, ये भगवान बुद्ध की मंगल कामनाएं हैं। दूसरा, अगर इंग्लैंड के 5 स्टॉप के हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल जो आपकी सर्जरी करे, आपको सजेशन दे, आपकी सारी एग्जाम करे और फिर उसको सेट करे कि ये हम करने जा रहे हैं, इसमें जे आपको जो दुविधा आ सकती है जे नहीं आ सकती,
तो मैं जब सारे इस प्रोसेस के बीच में से गया तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत याद आई कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर मैं अपने गांव में होता या अपने इवन शहर में भी किसी में होता तो पैसे देकर भी मैं ऐसी सर्विस नहीं खरीद सकता था। एक सज्जन था जो भारतीय मूल का ही था, मैंने उसको पूछा नहीं किस रीजन से था, तो उसने मुझे कहा कि आप को जो ये ए क्लास अटेंशन मिल रही है, ये आपके डॉक्टर का लिखा हुआ एक लेटर है आपके लिए। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। वो कहता कि भाई इस जो इंग्लैंड में जो सरकार है वो लोगों की चुनी हुई, लोगों के द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए चुनी हुई है, इसलिए आप कहाँ से आए हैं, आप कब आए कब नहीं आए, इसका कोई इसमें लेन देन नहीं है, ये सरकार आपकी है इसलिए आपको ए क्लास सुविधा दे रही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं भारत में होता तो ना वहां सरकार लोगों की है और ना ही लोगों के द्वारा चुनी हुई है और ना ही लोगों के लिए काम कर रही है, तो शायद मुझे ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती। मैं देखता हूँ थोड़ी देर तक और मैं जुड़ा रहूंगा, अगर मैं पेन अपना कंट्रोल कर पाया तो मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। नमो बुद्धा, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धा। सर आपकी अच्छी सुख सुविधा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग सभी साधुवाद देते हैं और आपकी पारमिता है जिससे कि आप बने हुए हैं सर। थैंक यू, मंगल कामना करते हैं सर। और आप थोड़ा रेस्ट करें, आपके लिए इतनी बात। रेस्ट कीजिए। हाँ, मैं करूंगा, बस एक बार ज्वाइन करके आप लोगों को बता देना था कि भाई मैं इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा क्योंकि मेरे लिए पास विदा पीपल की तरफ से, हमारी तरफ से पूरे मंगल कामना हो सर, आप जल्दी ठीक होके हमारे बीच में आए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों की आवाज सुन के आधा तो मेरा पेन वैसे ही चला गया। आपके लिए सभी मंगल कामना करते हैं बाबू जी, आपके लिए सभी की मंगल कामना करते हैं। इससे तो और भी इंसान के अंदर शक्ति आ जाती है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आज का विषय आपने जो रखा हो बहुत ही मुझे प्यारा विषय है और मैं इस पे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा, ना तो मैं 15-20 मिनट से ज्यादा बैठ सकता हूँ कुर्सी पे, ना 15-20 मिनट से ज्यादा लेट सकता हूँ बेड पे, तो इसलिए ये दुविधा है मेरी। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा, ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द एंड टू वर्ल्ड, ये मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगता है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सारी सोच कि हमें क्या करना है, हम कहां कहां से चूक गए और कैसे कैसे आगे करना है, वो सारी सोच दे रखी है और कौन कैसे कैसे हमारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है उसमें बहुत कुछ दे रखा है। और मैं समझता हूँ इसको तो सीरियलाइज करके हर जो हमारा बी द पीपल का जो संघ का मेंबर है उसको अपने बच्चों को, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने सखे संबंधियों को जब सिखाना चाहिए, पहचाना चाहिए कि देखो जो तुम समझते हो कि आज ही कांग्रेस आपको लूट रही है, जहाँ आज ही बीजेपी लूट रही है, नहीं, ये तो जब बाबा साहब थे तब से ही हमें लूटती आ रही है। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ अगर आप इस पे बात करते हैं तो मैं और भी जानना चाहूंगा। धन्यवाद बहल सर, आपकी भावनाएं हम समझ पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप स्वास्थ्य लाभ लीजिएगा, आपके विचारों से फिर हम अवगत होते रहेंगे जी। इसी बीच में कोई साथी हैं जो फोन नंबर से जुड़े हैं उनका। सर एके सिंह सर, ये वानखड़े साहब है, बीएसएनएल से इंजीनियर है, वानखड़े साहब, संजय वानखड़े जी, पंडित राव वानखड़े साहब है जी। जी जी, बुलाइए सर, बुलाइए। हाँ प्लीज अपना परिचय दीजिए और अपनी बात इस संक्षिप्त में रखिए वानखड़े साहब। सुन पा रहे हैं वानखड़े साहब? वानखड़े साहब आप बात सुन रहे हैं? शायद सुन नहीं पा रहे। हाँ ठीक है सर, एके सिंह सर हमारे बीच में, अमरजीत सिंह है, अमरजीत जी आए और अपना परिचय दें प्लीज। अमरजीत जी, हेलो। जय भीम सर, जय भीम सर, जय नमो बुद्धाय। हेलो, बताएं जी, बताएं अपने बारे में। हाँ सर, मैं अमरजीत हूँ और सादरा रोहतास नगर विधानसभा से हूँ, दिल्ली से जी। और
एक लैब टेक्नीशियन हूँ। जी बहुत अच्छे, विदा पीपल के बारे में अपने विचार बताएं। जी सर, विदा पीपल के बारे में अपनी राय दें, बताएं, विचार बताएं। सर थोड़ी मेरी लेड में प्रॉब्लम हो रही है और अच्छा, मैं अच्छा। इस टाइम गाड़ी में सफर कर रहा हूं तो आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ते रहिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है सर। सिंह साहब जी, जी सर जी, ब्रजनंदन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से। ब्रजनंदन प्रसाद जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आए और अपना परिचय दें। ब्रजनंदन प्रसाद जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, सबों को जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जी मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ सर जी, हावड़ा में काम करता था, अभी बैंडल में रह रहा हूँ। वैसे मैं मेरा एक्चुअल गांव गए आपका बिहार के जहानाबाद जी जी, और जी। ये संस्था से सर मैं पिछले एक सप्ताह से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें पूरा विश्वास है सर हम लोग एक दिन सफल होंगे, हमारी जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से हम लोग ये होंगे, विजय प्राप्त करेंगे सर, इसी कामना के साथ सर, जय भी। अच्छा, रेलवे में किस पद से रिटायर हुए? मैं सर टेक्नीशियन था आपका, डिविजनल ये डीआरएम ऑफिस में कंट्रोल रूम में था सर, मैकेनिकल का कंट्रोल रूम में था। डॉक्टर योगेश कुमार जी, डॉक्टर योगेश कुमार जी हमारे बीच में जुड़े हैं, आए और अपना परिचय दें प्लीज। डॉक्टर योगेश कुमार जी, सुन पा रहे हैं जी? नमो बुधाय, जय भीम, सर। मेरा नाम तो डॉक्टर योगेश और मुझ पर आपका नेटवर्क शायद काम नहीं कर रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा, अभी सर देखना, अभी ठीक है कि वीडियो ऑफ कर ली, आप वीडियो ऑफ करके बोलिएगा, थोड़ा सा आ जाएगी आवाज। अच्छा, वीडियो ठीक है, हाँ ओके। मेरा नाम डॉक्टर योगेश है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ और सोहाना में रह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा के अंदर जी। और ये अभी कुछ दिनों से मैं अभी पहले तो बाबा साहब के हमारे संगठन है उसमें कार्यरत था, काम कर रहा था और अब धम्म भूमि के साथ कार्य कर रहा हूँ। और मुझे करमवीर जी और परिहार जी से इसके बारे में पता लगा था और तब मैं इससे अपने वी द पीपल से जुड़ा हुआ। हाँ, आज हमारी बात भी हुई थी आपसे, डॉक्टर लाल सिंह जी से आज मेरी बात हुई थी, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ ताकि इनको मेरा चेहरा नजर आए। डॉक्टर लाल जी से आज सुबह दिन में बात हुई थी तो मैं धम के बारे में इनसे कुछ चर्चा करना चाह रहा था थोड़ा सा, तो इनसे मैं कल बड़ा प्रभावित हुआ की बात मेरे को, मतलब जिन्होंने बातें की थी कल धम के बारे में, कुछ चर्चा चली थी अपनी, तो उसमें डॉक्टर लाल ने जो एक्सप्लेनेशन दिए वो मेरे को कुछ ज्यादा, मतलब जो हमारे तथागत के जो बातें थी उनके ज्यादा नजदीक लगे, तो इसलिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ डॉक्टर लाल जी को। एक बार काफी समय पहले भी मैं इनसे जुड़ा था लेकिन किसी कारण से तब मेरे को धम के बारे में इतनी अच्छी समझ मैं नहीं विकसित कर पाया था अपने अंदर। अब मैं, मेरी इच्छा है कि मैं धम के बारे में ज्यादा जानूं और आपके इस मंच के माध्यम से शायद मैं कुछ ज्यादा जान पाऊंगा। आपका बहुत धन्यवाद मुझे इसके लिए जोड़ने के। आप जुड़े रहिएगा जी। जी सर, बहुत आपके जो भी संपर्क में साथ हैं जिस प्रकार से आपको जोड़ा गया उसी प्रकार से आप भी आगे प्रयास करते रहिए ताकि हम अपने साथियों की संख्या निरंतर विदा पीपल में बढ़ा सकें और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में हम सभी का योगदान रहे। थैंक यू योगेश। मैं कल सुबह सुबह अपने दो योगेश जुड़े हैं, योगेश के अलावा भी एक बार बोलना इनको। योगेश जी और हमारे बीच में जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय दीजिएगा योगेश जी। हाँ, हो गया परिचय उनका, योगेश जी का तो। अच्छा अच्छा, दो योगेश हो रहे हैं इनके अलावा, दो योगेश। अच्छा, जिन योगेश जी का परिचय नहीं, एक योगेश रश्मि जी जुड़ी हुई थी उनके, योगेश कुमार जी के उससे सिंपल योगेश है, दो नीचे हिंदी में है सर। योगेश यादव जी जुड़े हैं अभी सर। हाँ
योगेश यादव जी, यादव है, एक सिंपल योगेश और हैं। जो योगेश जी वो जुड़े हैं जिनका परिचय नहीं हुआ वो आए और अपना परिचय दें प्लीज। सर जुड़े हैं योगेश यादव जुड़े हैं। हाँ योगेश यादव जी आए, अपना परिचय दीजिएगा, हम आमंत्रित करते हैं आपको। योगेश यादव जी आवाज सुन पा रहे हैं? योगेश जी आप हमारी शायद नहीं सुन पा रहे। आलम राम जी, आलम राम जी हमारे जी जी योगेश जी बुलाएं, सिंह साहब बुलाएं। योगेश जी आए हैं, अपना अनम्यूट कीजिएगा माइक। योगेश कुमार जी अभी आए थे। योगेश कुमार जी क्या सुन पा रहे हैं आप? सर एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर योगेश बोल रहा हूँ एएमओ। तो मैं सर एक बात सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे हमारा चैट बॉक्स है उसको भी थोड़ा बहुत आप बीच बीच में आप लोग में से जो इसको संचालित कर रहे हैं वो देखते रहें, कुछ अगर उसमें कुछ ऐसी बात लगती है तो थोड़ा उसका जवाब बीच बीच में अगर दिया जा सके तो सर अच्छा है, क्योंकि कई बार इस बारे में कुछ सूचना हमारी रहती है। प्लीज ठीक 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 है सर, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर योगेश कुमार जी। आलम राम जी हमारे बीच में है। योगेश है और एक योगेश कुमार है, दो नाम और है नीचे। वो क्या कह रहा है? हाँ अच्छा डॉक्टर लाल साहब बच्चों को दुलार दे रहे हैं डॉक्टर लाल साहब। जी जी आलम राम जी, सिंह सर जी, सर ये योगेश कुमार जी ने वो मैसेज में है चैट बॉक्स में छोड़ा है, व्हाट इज द एम ऑफ विद द पीपल। मैं समझता हूँ कि सुधीर राज सिंह सर वो कंसेप्ट में बताएंगे इनके बारे में, क्योंकि उन्होंने बोला कि चैट बॉक्स में भी मैसेज छोड़ दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैंने जब अपना परिचय दिया था तो मैंने दो क्वेश्चन मालूम किए थे, दो क्वेरी थी मेरी। ठीक है सर, हम उसका क्वेरी हम ध्यान में लेते हैं कि क्या छोड़ते आप चैट बॉक्स में। योगेश जी आप जुड़े रहिएगा और इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा, आपको अवश्य उसका जवाब मिलेगा। बिजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं, बिजेंद्र सिंह जी अगर सुन पा रहे हैं तो आप आए और परिचय दें अपना प्लीज। बिजेंद्र सिंह जी जो साथी नए जुड़े हैं अगर वो हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज भी करें अपना। आगे बुलाएं सिंह साहब। बिरला नरेश जी हमारे बीच में जुड़े हैं, बिरला नरेश जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दीजिएगा। बिरला नरेश जी क्या नरेश जी सुन पा रहे हैं? नेक्स्ट आलम राम जी हमारे बीच में जुड़े हैं, आलम राम जी क्या आलम राम जी सुन पा रहे हैं हमें? एडवोकेट भीम सिंह जी जुड़े हैं हमारे बीच में, हैंड रेस किया है, आप आए और अपना परिचय दें। एडवोकेट भीम सिंह जी जय भीम। सभी साथियों को मेरी तरफ से, मैं पहले भी कई बार लेकिन ज्वाइन कर चुका हूं और आज अवगत कराता हूं। मैं एडवोकेट हूं, डिस्ट्रिक्ट बार जींद में अभी प्रैक्टिस हूं और अभी फिलहाल प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है। और एक चीज है मेरे साथियों से, अभी कोई साथी हमारा एक दिल्ली में हो तो एक बार इससे संपर्क किए ना, क्योंकि एक बार ना मेरे कुत्ते का ना ऑपरेशन हुआ है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलिएगे तो आपकी अच्छी आवाज आएगी। सभी साथियों को जय भीम जी। जय भीम सर, मेरा नाम भीम सिंह एडवोकेट है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद में ही प्रैक्टिस करता हूँ। और काफी दिन से मुझे एक समस्या बनी हुई है, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना है एम्स दिल्ली में, यदि कोई हमारा साथी है इस बारे में तो कोई हेल्प कर सकता हो तो कृपया इस बारे में बताने आग्रह करूंगा। आप अपने नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा और अपनी समस्या को भी थोड़ा सा हिंट्स कर दीजिएगा उसको, तो हमारे बीच में बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साथी हैं, वो जुड़े हैं, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। एके सिंह सर हमारे बीच में लक्ष्मण कानेकर साहब है, जी बुलाइए सर। कानेकर साहब आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लक्ष्मण कानेकर साहब प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। कानेकर साहब क्या हमारी बात सुन रहे हैं आप?
कानेकर साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज। शायद उनके अनम्यूट नहीं हो रहे हो। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए सिंह सर जी। एडवोकेट भीम सिंह जी हैंड्स रेज है। मैंने नहीं हो चुका है अभी का। अभी जो बोल रहे थे ना एडवोकेट भीम सिंह जी का हैंड्स रेज है। हो चुका है सर मेरा। मैं अभी बोल रहा था मेरा हो चुका है। ठीक थैंक यू। माया सैनी जी जुड़ी हमारे बीच में। माया सैनी जी आए और अपना परिचय दें प्लीज। सुन पा रहे हैं? अनिल भास्कर जी। अनिल भास्कर जी सुन पा रहे हैं? भास्कर जी। कुलवीर सिंह जी अगर सुन पा रहे हैं तो आइए अपना परिचय दीजिए। अभी सिंह साहब जो परिचय हो गए हैं इसके बाद में परिचय का क्रम जो है वो बाद में शुरू किया जाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट का समय भी हो गया है। डॉक्टर अजय जलवान जी सुन पा रहे हैं? जुड़े हैं हमारे बीच में शायद। डॉक्टर अजय जलवान जी। एडवोकेट अभिषेक राजी सुन पा रहे हैं? वी द पीपल के कॉन्सेप्ट के विषय में विस्तार से सुना। शायद सभी साथी लाभान्वित हुए होंगे क्योंकि हम जिस प्रक्रिया के स्वरूप आज 70 सालों में जो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रक्रिया में एक संघ के रूप में स्थापित होने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हम सभी का प्रयास इसमें लगातार ये है कि हम जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। इसी क्रम में जो साथी हमारे नए जुड़े हैं मेरा अनुरोध रहेगा कि आए और वो अपना परिचय दें। वेद प्रकाश जी गौतम जी। जी वेद प्रकाश जी का हैंड्स रेज है काफी समय से। जी जी बीडी गौतम जी की बात लेते हैं। बीडी गौतम जी अगर सुन पा रहे हैं? वेद प्रकाश जी हेलो। जी हाँ जी सर मैं बीडी गौतम बोल रहा हूँ। बीडी गौतम बोल रहा हूँ सर। बीडी गौतम जी कंटिन्यू करें आप। बीडी गौतम बोल रहा हूँ सर फरीदाबाद से। जी बोलिए आवाज आ रही है आपकी? नहीं आवाज आ रही है सर। मैं बीडी गौतम बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। डॉक्टर लाल बारे में बताए कुछ जानते हैं मेरे को जो डॉक्टर लाल सिंह जी हैं आपके प्रोग्राम में ये जानते हैं। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सेक्टर 55 में और हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हूँ जी। और मैं समाज में भाई सामाजिक जो जिनके बच्चे लड़के लड़कियां बड़े हो गए हैं वे उनकी निस्वार्थ शादियां कराने का कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे जो अपने समाज के लोग हैं उनके भाई बेटा बेटियां हैं तो उनकी शादियों के लिए भी जरूरत होती है। बिल्कुल तो मैं निस्वार्थ जो है भाई उनकी सेवा करता हूँ। अगर किसी साथी का भी ऐसा कोई हो तो अपना वो बायोडाटा मेरे नंबर पर भेज दें। कहीं सूटेबल होगा तो उनका मैचिंग करवा देंगे। जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सर आप अंतर जातीय ये विवाह भी करा? हाँ अगर अंतर जातीय मैचिंग होती है तो सर अंतर जातीय भी करा देते हैं। ये तो दोनों तरफ की रजामंदी के ऊपर है सर। भाई दोनों पार्टियां राजी हैं लड़का लड़का राजी है तो अंतर जातीय भी हो जाता है और कई हुए भी है सक्सेस भी है चल रहे हैं। जी गौतम जी आप अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जी छोड़ दीजिए जी से भी बात हुई है। डॉक्टर जो सत्य प्रकाश परियार जी हैं इनसे बात हुई है। कई अपने साथी ग्रुप में है उनसे पहले बात हुई है मेरी और नंबर छोड़ दूंगा कोई बात नहीं। और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ मेरा एक साल है रिटायरमेंट के बाद पूर्ण रूप से सामाजिक सेवा करेंगे। आपका धन्यवाद।
इसके लिए आप मुझे समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू गौतम जी। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं? आर्यूष जुड़े हैं हमारे बीच में। आर्यूष जी, देवानंद सहारे जी, देवानंद सहारे जी सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र शाह चमोली से जुड़े हैं, देखिएगा, वीरेंद्र शाह चमोली से। वीरेंद्र शाह जी, डॉक्टर श्री प्रकाश जी, डॉक्टर श्री प्रकाश जी, वानखेड़े साहब भी अपने बीच। वानखेड़े साहब, पंडित वानखेड़े जी। BSNL में वर्कआउट करता हूँ और तकरीबन एक महीने के आसपास से मैं पीपल से। यस सर मैं, हाँ AK सिंह सर, हाँ अपनी बात भी हो चुकी है और मुझे काफी अच्छा लगता है कि हमारी पहचान न होने के बावजूद हम लोग विद पीपल के माध्यम से काफी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे सिंह साहब से मेरा बात हुआ था तो इसी तरह हम लोग जुड़े रहेंगे, प्रॉब्लम्स कम होते रहेंगे क्योंकि अभी जुडिशियरी भी काफी हमारे आगे जा रही है। क्योंकि मैं थोड़ा एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूंगा। जहां तक बोला जाता है कि जितने भी वर्डिक्ट आते हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन रहो या फिर बाकी भी, तो सभी हमारे अगेंस्ट जाते हैं या फिर हमारे बीच कुछ न कुछ दुविधा निर्माण करके जाते हैं। इसी तरह हमारी कंपनी भी हुआ है कि एक साल पहले ऐसी एक केस चंडीगढ़ कैंप में चल रही थी। हेलो जी, कंटिन्यू करें सर। यस सर मैं यहाँ पे ऐसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कंपनी में, तो भी PSU चल रहा है, इसका तो मैनेजमेंट कुछ है नहीं है, वो फिलहाल में चल रहा है वो पूरा कोर्ट केस है। कोई कैट से चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, कोई हाई कोर्ट से चल रहा है। ऐसे ही कई इंसिडेंट, एक केस एक हमारे यहाँ हुआ है कि उसमें किसी सवर्ण लोगों ने केस डाल दिया है कि भाई ये जो रिजर्वेशन के लोग रहते हैं इनको कम मार्क होने के बावजूद भी और मुझे थोड़ा ज्यादा होने के बावजूद भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है और इनको कम होने के बावजूद मिल रहा है, तो वो ओनली बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट मिल गया था हम लोगों को। तो उसमें केस डालने के बाद में उन्होंने जो CMD वगैरह सभी को पार्टी किया और उसी के साथ जिन जिन लोगों को ऑल इंडिया बेसिस पे बेनिफिट मिला है उनको भी पार्टी किया है। मतलब इस तरह से एक यूनिक केस हमारी कंपनी में चल रही है। लेकिन ये इसलिए हुआ है कि हमारी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन विद पीपल से जब से मैं जुड़ा हूं तब से मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ कम हो जाएंगे और हम लोग कंटिन्यू से बातें करते रहेंगे। तो इस तरह के इंसिडेंट जो है इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा क्योंकि ये पूरे ग्रुप में एडवोकेट जिसे हम लोग अपडेट करते हैं। अभी देखो हम लोग काफी स्टेट से जुड़े हैं, हम कभी आपसे पर्सनली मिले नहीं है, लेकिन जैसे AK सिंह से सर से बात हुआ है, जो भी हम लोग हमें केस टेकअप करके कर रहे हैं ये ओनली बिकॉज ऑफ हम लोगों का एक बॉन्डिंग है कि विद द पीपल के बीच से हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस तरह का प्लेटफॉर्म भी कंटिन्यू चलना चाहिए, कोई मतभेद अपने कम होते रहेंगे और हम लोग कंटिन्यू काम करते रहेंगे। सर इसी के साथ मैं आज पूर्ण विराम करता हूं और थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कटके सर और बुलाएं अगर उधर से महाराष्ट्र से जुड़े हों लोग। हाँ महाराष्ट्र से दो तीन लोग हैं पर मैंने बुलाया तो अच्छा। यहाँ पर अभी लक्ष्मण कानेकर साहब है। कानेकर साहब अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए, परिचय दीजिए। कानेकर साहब क्या हमारी बात सुन रहे हैं? संजय वानखेड़े साहब है, संजय वानखेड़े साहब। हाँ सर जी, हाँ जी, यस प्लीज। हाँ सर जी, मैं बहुत जनों को जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है
समन संघ का बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, रोज सुनता हूँ और लोगों को मैसेज देकर या कॉल कर कर ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी तक कोई भी नहीं जुटा है मेरी वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने फोन करके बताया है, रिक्वेस्ट किया है। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे तो बहुत पसंद है और पूरे ऑल इंडिया लेवल से लोग जुटते हैं, पूरे मिलते हैं। अभी सर ने बोला है कि हम कभी एक दूसरे को नहीं मिले है, फिर भी हम जुटते हैं एक थॉट के लिए कि सबको जुटना है, जुटाना है और सफल बनना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। संजय सर बात करिएगा लोगों से। जी मानगढ़ साहब, इसकी फिक्र मत कीजिए, लोग अब जुटते जाएंगे, हम अपने आप को खुद को दुरुस्त करते हैं और जुड़े रहते हैं तो लोग जुड़ने ही वाले हैं। उफान आएगा इसमें, इस पे बिलीव करो। सुरेंद्र नाथ मौर्या जी, सुरेंद्र नाथ मौर्या जी अगर बात सुन रहे हो तो कृपया अपना परिचय दीजिएगा। सुरेंद्र नाथ मौर्या जी, क्या सुन पा रहे हैं? मैं सुरेंद्रनाथ मौर्य वाराणसी से बोल रहा हूँ और आज आपका एक ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, उसी से आपका लिंक मिला मुझे, तो मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए। तो अभी तो आज मैं पहली बार आप लोगों से जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगा और हम लोग इसी तरह से जुड़ते रहेंगे तो कर्म ये आगे बढ़ता रहेगा आप लोगों का। अवश्य धन्यवाद जी। अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दीजिएगा और मौर्य जी हमारा निवेदन स्वीकार करें कि आप जुड़ते भी रहें और भी साथियों को जोड़े आप, तो ये हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, जुड़ते जाएंगे तो बिल्कुल हम जीतेंगे जरूर। और हमारे बीच शुभांगी मानखेड़े मालखेड़े मैम है, शुभांगी मालखेड़े मैम अपना परिचय दीजिए और आप क्या करते हैं इसके बारे में बताइए। शुभांगी मालखेड़े मैडम अनम्यूट कीजिए। शुभांगी जी, बहन शुभांगी मैम, कट के सर दो हैंड रेज हैं, वेद प्रकाश जी सर कीजिए, वेद प्रकाश जी और किशोर मानकर जी, किशोर मानवर जी और वेद प्रकाश जी वन बाय वन करके आइए, अपना परिचय दीजिएगा। क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? किशोर मानवर जी, किशोर मनोहर साहब अपना परिचय दीजिए, अनम्यूट कीजिए। किशोर मनोहर जी अनम्यूट भी है, वीडियो भी खुला है। अच्छा हाँ ठीक है जी, किशोर जी अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। जी मैं किशोर मन गुजरात से। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। आप वीडियो ऑफ कर दीजिएगा तब बोलिएगा, तब अच्छा आपकी आवाज आएगी। हाँ जी सर, मैं किशोर मनोहर गुजरात से, सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सर कल खटके साहब मैंने बोला था आपको, कल जो हमारी बहस हो रही थी वो दो बंदे के साथ, थोड़ा दुख भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुधीर सर बोल रहे थे उसको फॉलो ही नहीं कर रहे थे, उसने जो बोला उसका कोई मतलब ही नहीं समझ रहे। वो जो साथी थे वो तो जैसे हम सब से लड़ने आए हैं ऐसे ही बोलने लगे थे। तो मैं तो अभी यंग हूँ आप सब के जरिए से, तो मेरा एक मतलब कहीं मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जितना मेरी एज के जरिए और मैंने जितनी सोशल एक्टिविटी की है उसके अनुभव से माध्यम से, सर अगर ऐसे लोगों को हम अभी से ही मतलब मैं तो थोड़ा क्योंकि थोड़ा जोश है इसीलिए थोड़ा और कुछ गलत फलत बोल दी तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारे सब ऐसे ही लोग हैं वो हमारे ही सोशली संगठन जो काम करते हैं, जो जुड़ते हैं, जोड़ने की बात करते उन्हीं पे ही प्रहार करते हैं, उनको नेगेटिव और वो करने की बात कर रहे। एक बार तो ऐसा लगा उसने ऐसा बोला कि अंबेडकर अंबेडकर करके क्या फायदा मिलेगा। अरे यार तुम अपने इसमें थोड़ी बहने भी है मेरी,
तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे, मैं भी तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हूँ, इसीलिए थोड़ी सैल्यूट से मतलब। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे ही खत्म करने से मतलब वो बढ़ नहीं सकते, ये मेरा थोड़ा अपना ऐसा सुझाव है, कहीं मैं गलत हो सकूं तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मनवर साहब जुड़े रहिए, अपने साथियों को बताते जाइए, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ सर, कलम खटके साहब नंबर ले लेने, हाँ अपना चैट बॉक्स में नंबर, अपना नंबर। हाँ वो एक बात, एक जो सुधीर सर ने बहुत अच्छी बोली थी कि इतने जो एक और बंदा था वो पुनर्जन्म की बात को लगातार ऐसे लगा रहा, तो कल जो कल का दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया था। तो हेलो सर, बोलू क्या जी? बोलिए। एक बंदे ने वो जो पुनर्जन्म की बात कही थी, तो मैं भी थोड़ा उनसे फॉलो करने की बात कर रहा था, क्योंकि जो मतलब हिमाचल के जो परम पावन है, जो सर एक मैं बात बोलता दू, मैं दलाई लामा को परम पावन वहां के लोग बोलते हैं, उनको दो बार मिल चुका हूँ धर्मशाला में, और वहां 1.5 महीना रुका हुआ था। तो ये जो ध्यान विपश्यना, उससे ही वो गहराई वाली बात प्राप्त होती है। और बुद्ध के समय में भी वो जो लामा लोग है, तो वो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट मतलब वो जो धम्म की बात वो बचा सके है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ कि वो जो एनर्जी अपने आप में होती है, तथागत गौतम बुद्ध ने बोला है कि अपदीप स्वयं अपने भीतर में ही वो सब है, कहीं दूसरे को कहीं और जानने की खोजने की जरूरत भी नहीं। लेकिन लोग क्या कहते, एक अफसोस के बात है, ये सब साफ बात करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ हमारे समाज के जो बड़े बड़े अफसर, वो लगभग सब सेम तो नहीं हो गए, लेकिन ज्यादातर 80% लोग ऐसे होते कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं पालन पोषण कर रहे हो, उनको भी कहीं वो रख रहे हो। कल वो साहब ऐसे ही बोल रहा था जी 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 मानवर जी, हम बाबा साहब से क्या होगा, अपने 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 बच्चों को भी लिए भी कुछ करना पड़ता है, पैसा ही है सब। अरे भाई, जिसने तुझे ये सृष्टि का दर्शन कराया, अपने माता पिता के बारे में भी कुछ सोचना। मेरा एक क्वेश्चन कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बोलने वाला था उसको। चैट बॉक्स में छोड़िए मनवर साहब। हाँ हाँ जी जी सर, जी सर, इसको ऐसे ही मतलब सर थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँ तो सॉरी, लेकिन थोड़ा जो जो है वही मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे सर ऐसे लोग है ना। थैंक यू वेरी मच। जय भीम नमो बुद्धाय। राजेश प्रसाद बोध जी हैं वैशाली बिहार से। राजेश प्रसाद बोध जी जी, सभी महानुभवों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है? आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है आपकी जी। मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग से अलग हो गया था, कोई बात नहीं, मैं हमेशा जुड़ता हूँ, मैं 1.5-2 महीनों से जुड़ रहा हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय वैशाली में आर्ट टीचर हूँ। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं आज तो बस सुन ही रहा हूँ, क्योंकि मैं तुरंत अभी ज्वाइन किया हूँ, रिज्वाइन किया हूँ। आप लोग कंटिन्यू रखें, मेरा यही परिचय है। मैं एक टीचर हूँ नवोदय विद्यालय में वैशाली में, और हमेशा जुड़ता हूँ मैं। ठीक है, टीचर्स पे काफी जिम्मेदारी। हाँ, टीचर्स जो है समाज का निर्माता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर काफी जिम्मेदारियां होती हैं, तो जुड़िएगा भी, और अपने जो साथी और हैं उनको जोड़िएगा। जी जी, मैं जोड़ भी रहा हूँ, मैं कुछ बंदे को जोड़ा हूँ जी। चैट बॉक्स में क्या नंबर है? जी जी, बुद्ध की कर्म भूमि से हूँ मैं, बुद्ध की कर्म भूमि से हूँ। लाल साहब जय भीम आपको जी। तो भगवान के सबसे प्रिय जगह थी जी, अंतिम विदाई को दी, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल यार, वैशाली छोड़ के जा रहे हैं। तो नहीं नहीं, मैं वैशाली में आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप कभी भी वैशाली आप लोग आए तो मुझे जरूर याद करें, मैं सभी को पुनः बोलूंगा मोस्ट वेलकम है। कभी भी आप बुद्ध की कर्म भूमि पे आप आए तो मुझे याद करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा
धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। यूएस लाल जी का हैंड्स रेज है। यूएस लाल जी, सभी सम्मानित साथियों को डॉक्टर यूएस लाल जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान। जय संविधान। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि हम सब अवगत हैं, 26 दिसंबर को लखनऊ में डॉक्टर्स की मीट हो रही है, जिसमें पूरे देश से चिकित्सक आ रहे हैं। तो मैं यहाँ अपील करने के लिए आया हूँ कि आपके आसपास जो भी चिकित्सक हो, उनको ये बात जरूर शेयर करें कि पूरे भारत के समर समाज के चिकित्सक लखनऊ में पहुंच रहे हैं 26 दिसंबर को, जहां पे समर समाज के चिकित्सकों की बैठक होगी और भविष्य में आगे चिकित्सक बंधुओं को क्या करना है इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी अपील है कि कल डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स की विशेष बैठक है, तो उसमें भी अपने आसपास के ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक बंधुओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इंजीनियर अलाउ नहीं है सर, इसमें डॉक्टर ही अलाउ है सर? नहीं, सभी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, लेकिन विशेष दिन डॉक्टर्स का है, तो डॉक्टर्स से विशेष निवेदन है, बाकी सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं। सर, सतीश सोनोने साहब का हैंड रेज है सर। जी हाँ जी, बुलाइए सर। ओके सर, बुलाइए सोनोने साहब प्लीज। हेलो जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी आ रही है। कहिए कहिए सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, एडवोकेट सतीश सोनोने जी। यहाँ मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सोशल एक्टिविस्ट में बड़ा काम है मेरा यहाँ पे जी। आप लोगों के साथ में पिछले 2 महीने से मैं जुड़ा हूँ, कभी ज्वाइन होता हूँ जैसा टाइम मिलता है वैसा जी। औरंगाबाद के हमारे परमेश्वर खोपे सर इंजीनियर साहब, हम दोनों मिलके काम करते हैं यहाँ पे, उन्होंने ही ज्वाइन कराया है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ते रहिएगा, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप। और ओके सर, ओके खोपे साहब, परम खोपे साहब सर, परम खोपे जी प्लीज माइक खोलिए अपना और परिचय दीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है सर? या यस यस जी। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जैसे कि अभी एडवोकेट सतीश सोनोने जी ने कहा कि औरंगाबाद में सोशल एक्टिविटीज करते हैं यहाँ पे, मैं परमेश्वर खोपे औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापन की हुई पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में मैं लेक्चरर हूँ। और जैसे कि अब मैं सभी को बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जो भी एक्टिविटीज चलती है, वैसे बहुत सारे हमारे सोशल एक्टिविटीज में कटके साहब के भी जो एक्टिविटीज चलती है उसके उनके साथ भी हम इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक ग्लोबल अम्बेडकराइट कन्वेंशन नाम का प्लेटफॉर्म है जिसके कटके साहब भी बहुत कोर मेंबर है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर हम अलग अलग तरह की सोशल एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, जुड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वेद प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? वेद प्रकाश जी का हैंड स्ट्रेज है काफी समय से। बड़े भाई करमवीर बोध जी आपका। जी 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 जी, वीके सिंह जी, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय टू ऑल। जय भीम नमो बुद्धाय। करमवीर सिंह चंडीगढ़ से जी। मेरी दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। मैं हमारे हरियाणा में 9 तारीख को करनाल में एक प्रोग्राम किया जा रहा है विद पीपल का जी। जिसमें काफी काफी संगठन मिलकर जो है उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम 14 तारीख को श्याम को चंडीगढ़ में किया जा रहा है। जितने भी साथी सुन रहे हैं,
कृपया उसमें जो है ना जल्दी उसके लिए जो है ना एक वो आ जाएगा इन्विटेशन। तो ये फिजिकल मीटिंग होगी हमारी, तो इसके लिए अनुरोध है कि सारे साथी इसमें पार्टिसिपेट करें और सहयोग करें आपस में। थैंक यू। मैं भी सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी साथी आज इस मोमेंट में जुड़े हैं, 109 लोग हम जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि बड़े भाई करमवीर बोध जी की बात को सभी लोग सीरियस लेकर के उसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश करें सभी लोग। वीरेंद्र शाह जी चमोली से हमारे बीच में जुड़े हैं, जो का हैंड्स रेज है उनका भी। वीरेंद्र शाह जी, सर एक बार और बताएंगे, मैं अभी जुड़ी हूँ, एक के साथ। जी जी करमवीर बोध जी पुनः बता दीजिएगा, एक बार पुनः दोहरा दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहन जी रश्मि जी है क्या? जी चंडीगढ़ में कर रहे हैं। अच्छा सर, विद द पीपल का दूसरा एक बड़ा प्रोग्राम हम करनाल में 9 तारीख को कर रहे हैं। 9 नवंबर दिसंबर नहीं, अभी 9 अक्टूबर 14 अक्टूबर को मैंने चंडीगढ़ में किया है। अच्छा, तो करनाल में करनाल के लोग मिलके कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, तो इस तरह से प्रोग्राम है। बाकी वो जो लोग जिला के नजदीक के ही आए, अच्छा है, काफी दूर से, तो देख लेना टाइम मिले तो आ जाए। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी जी थैंक यू। वीरेंद्र शाह जी मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो अपना परिचय दीजिएगा। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं जनपद चमोली उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। काफी समय हो गया है मुझे भी बीदपुर में जुड़े हुए। माननीय गुलाब सिंह सर ने मुझे लिंक दिया था, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, जो कि उन्होंने मेरी आंखें खोली, मुझे जानकारियां दी और आज बीदपुर में जुड़ के मुझे मेरी हर भावनाएं, जिस प्रकार से मैं अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा करता था, आज मुझे पता चला कि अंधविश्वास क्या होता है, हम कितने पीछे हैं। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से हम लोगों के साथ हो रहा है अत्याचार, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया विद्युत पुल के लिए काम करें। और स्क्रीन में आलम राम नाम से कोई आदमी है, कृपया वो अपना परिचय दें, उत्तराखंड से हैं वो। जी मैं कई बार बोल चुका हूं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। आलम राम जी अगर बात सुन रहे हो तो, आलम राम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप अनम्यूट कीजिएगा। जय भीम नमो बुधाय। जय भीम साधु जी। जी मैं आलम राम जनपद चमोली विकासखंड घाट से हूँ। जी जी फिलहाल अभी मैं उधम सिंह नगर में निवास कर रहा हूँ और मैं जो है यहाँ पर छोटे से फैक्ट्री में वर्कर हूँ। और ज्यादा इतना जागरूक तो नहीं हूँ, पर जब से मैं आप बीजेपी पुल से जुड़ा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी वक्ताओं का सभी को सुन, मतलब सुन करके अपने आदर्श को के ऊपर चलो। आलम राम जी उधम सिंह नगर में कहाँ से हैं? उधम सिंह सर, पहले भी हम मैं मीटिंग में आपसे हो चुका था, आप काशीपुर से हैं शायद। आप हाँ मैं काशीपुर से हूँ। आप कहाँ पर रहते हैं वहाँ पर? सितारगंज में, सितारगंज से। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। अब गुला जी सर, संजीत कुमार जी हमारे बीच में जुड़े हैं। संजीत कुमार जी, जी बुलाएं सर, आए और परिचय दें अपना प्लीज। संजीत कुमार जी अगर आवाज सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। सिंह साहब अगर थक गए हो तो एडवोकेट रामचंद्र जी है और भी कोई जी 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 है तो कर हाँ, सकते हैं, अवेलेबल है एडवोकेट रामचंद्र जी। हाँ उनसे बोलिए सर, बोलिए सर उनसे, वो अब करें। हेनरी आरके जी और रामचंद्र जी, एडवोकेट रामचंद्र जी आए और अब आगे को जो है वो आप मीटिंग कंटिन्यू करें। एडवोकेट रामचंद्र जी सुन पा रहे हैं?
हेनरी आरके जी, परियार साहब हैं मीटिंग में आप दोनों लोग? हाँ, उनका मैसेज भी था, अवेलेबल है, अभी देख लेता हूँ। बोलिए सर, वो कंटिन्यू करिए आप, जब तक यही है। वैसे रामचंद्र जी सर आ गए ना, एडवोकेट रामचंद्र जी, एनडी जी भी आए हुए थे। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, गुजरात से है ना आप? दोनों चुके सर, दोनों एडवोकेट रामचंद्र जी सर। इतने रामचंद्र जी अनम्यूट कीजिए ना। बड़ौदा में थे आप, कहाँ से हैं गुजरात? आपसे निवेदन है, माइक जो है अपना म्यूट कर लीजिए। एडवोकेट रामचंद्र जी, एके सिंह साहब कंटिन्यू करें, आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं। जी आ जाएंगे कोई। चलिए ठीक है, हेनरी जी भी हैं, यही है, अवेलेबल है। डॉक्टर प्रदीप सोलंकी जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर प्रदीप सोलंकी जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया अपना परिचय दें। बिरला नरेश जी हमारे बीच में हैं। बिरला नरेश जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया अपना परिचय दीजिएगा। अजय गौतम का हैंडरेज भी है, उनको भी ले लो। अजय गौतम जी, अगर हम आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया अपना परिचय दीजिएगा। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट करो अजय गौतम जी। जितने भी साथी ग्रुप पे जुड़े, अटेंशन रहा करें, जो भी नाम बोला जाता है कृपया वो आकर के अपना परिचय दें। एके सिंह साहब जी, सर नरेश कुमार जी हमारे बीच में लगातार जुड़ रहे थे और निरंतर अमरोहा जनपद से बहुत सारे साथियों को जोड़ा है जी। अनुरोध रहेगा नरेश कुमार जी आए और जो विदा पीपल का जो अभी तक का ऑब्जेक्ट है जी, उसको बढ़ाने में कहां कहां क्या क्या चीजें और आगे होना चाहिए वो बताएं 2-3 मिनट में। नरेश कुमार जी, सुन पा रहे हैं नरेश कुमार जी? हेलो, अच्छा अजय गौतम जी, अच्छा ठीक है। अजय गौतम जी अपना परिचय दीजिएगा, नरेश जी उसके बाद में आ जाएंगे। अजय गौतम जी सुन पा रहे हैं आप? उनकी नेट की प्रॉब्लम लग रही है जी। निर्देश जी सुन पा रहे हैं? निर्देश जी, मास्टर साहब आगे लीजिए। सिंह साहब आगे। प्रकाश सर, रतिलाल देसाई जी जुड़े हुए हैं गुजरात से, उनको भी लो आप। बुलाइए सर, नितिन सोनटके जी हैं। गुलाब सिंह जी बुलाइए आप प्लीज। रतिलाल देसाई जी, रतिलाल देसाई जी सुन पा रहे हैं? अजय गौतम जी बोल रहे थे, शायद पूरा बोल नहीं पा रहे थे, हैंड भी रेज इनका। अजय गौतम जी, सिरसा से सत्यवीर पुनिया जी जुड़े हुए हैं, कृपया उनका परिचय कराएं। सत्यवीर सिंह पुनिया जी, हाँ उनका हो गया, हो गया उनका हंसराज जी, हो गया। अशोक सागर जी लोनी से, अशोक सागर जी लोनी से जुड़े हैं अभी। अशोक सागर जी लोनी से, अगर आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया परिचय दीजिएगा। सूरजपाल सिंह चंदौसी जनपद संभल से जुड़े हैं। सूरजपाल सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया परिचय दें अपना। एडवोकेट रामचंद्र जी, हेनरी आरके जी, हाँ। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। एडवोकेट रामचंद्र जी और हेनरी आरके जी। प्रकाश जी बुलाइएगा, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा हटना चाह रहा हूँ। हेलो, यस सर जी, यस सर जी कंटिन्यू करें। हेलो, थैंक यू सर। हनी सर,
हेनरी जी आ रही है आपकी आवाज, रामचंद्र जी थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी सर, जय भीम, नमः बुद्धाय, सभी साथियों को आगे कंटिन्यू करें। देखो हेनरी आरके जी, मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें, रामचंद्र जी, एडवोकेट रामचंद्र जी और आप हेनरी आरके जी। हाँ जी, तो अभी हाँ जी, हाँ जी, जो अभी साथियों का इंट्रोडक्शन हो गया है, कुछ मैं चाहूंगा जो अपने एनआरआई साथी अगर जुड़े हुए हैं साथ में तो प्लीज वो भी अपना हैंड रेज करें, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे है तो उनकी अहम भूमिका बनती है, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज करें। दो हैंड रेज है, हेनरी जी बोल के देख लो आ जाए तो। वेद प्रकाश जी हैं, वेद प्रकाश जी किससे बात करनी है? हाँ जी, वेद प्रकाश जी है तो अपना कृपया इंट्रोडक्शन दें। वेद प्रकाश जी नहीं आ रहे हैं, अजय जी बार बार आते हैं और बार बार उनका नेट प्रॉब्लम शायद कुछ है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे कोई साथी जो छूट गए हैं प्लीज वो भी अपना हैंड रेज करें, कोई एनआरआई साथी है तो मैं उनको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो अपना हैंड रेज करें। हेनरी जी, इंटरनेशनल अंबेडकर करके कोई नाम है? इंटरनेशनल अंबेडकर साथी जो है इस नाम से है, वो प्लीज वो आए सामने आए अपना इंट्रोडक्शन दें। साथियों जी, शायद रवि महे है जो इस नंबर से हमेशा जुड़ते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रवि महे साहब आइए जरा दर्शन दीजिए। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, जी सारी आ रही है जी। अच्छा, मैं रवि महे न्यूयॉर्क से बोलता हूँ, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मां इतना मैं ज्यादा विचार तो नहीं सुन पाया, थोड़ा लेट हो गया, तो बहुत अच्छा आपका प्रयत्न है कि आप लोग सभी को इकट्ठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि सभी को मां इकट्ठा करना चाहिए। हम भी धीरे धीरे एनआरआई को थोड़ा आपके साथ और इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा होंगे, मैं आस करता हूँ कि जल्द ही हम लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पंते गाजियाबाद में एक और उसका नाम पंते लाल बेगी जी बोलते हैं, पर पूरा नाम तो मालूम नहीं, क्या असली नाम उसका की होगा, तो उसके ऊपर आरएसएस वालों ने केस डाल दिया। शायद आपकी पहले बात हुई होगी कि नहीं, बैल साहब से बात हुई थी पर मेरा ख्याल है फिर मैं जोड़ नहीं पाया, तो उसको आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, उन लोगों ने दो केसेस डाले हुए हैं, उसकी तारीख चल रही है कि डेट पा रहे हैं कि मेरा ख्याल एक नेक्स्ट मंथ में उसकी, एक इस मंथ में ही है, तो वो थोड़ा परेशान थे, हमने सोचा चलो आप लोगों से बात करके देखेंगे, जेकर आप उसकी हेल्प कर पाए तो बढ़िया बात है। तो बाकी हम लोग आपके साथ हैं, तो जब भी टाइम मिलता थे हम सुनते रहते हैं और आप काफी अच्छा ज्ञान देते हैं, तो हमें ज्ञान की बहुत जरूरत है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, तो ज्ञान का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी तो चलो हम तो स्रोते हैं, सुनने वाले हैं, तो सुनते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, जब भी टाइम मिलता तो जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू, जय भीम, नाम बताएं। रवि महे जी, सर आपने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए, मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे इंडिया से बहुत सारे भाई साथी जुड़े हुए हैं तो आप उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि उनको मतलब जुड़ के और कैसे बेटर हो सकता है, या एनआरआई साथी आप उनको कैसे यहाँ पे एकत्र में ला के जोड़ सकते हैं, हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं? एनआरआई साथियों को अभी कॉल करना पड़ता है कि जूम की मीटिंग काफी चलती है हमारी भी, एक कल को फिर चलने वाली है, और उनको जो खास करके एनआरआई जब तक हम फोन के ऊपर नहीं उसको बताएंगे तब तक नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे सभी कंट्रियों में वक्रा वक्रा टाइम है, टाइम की बहुत दिक्कत आ जाती है। तो क्या कुछ है ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जो हमारे फॉरेन में जो भी मीटिंग्स चलती हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो जो भी साथी वहां पे जो मीटिंग करते हैं वो अपना जूम का लिंक हमारे को फॉरवर्ड करें, ताकि इंडिया से कोई अगर ज्वाइन करना हो चाहता हो उस टाइम पे तो वो कर सके। अच्छी बात है,
क्योंकि आप मानवीय कांशी राम जी के प्रीनिर्माण दिवस के ऊपर भी नेक्स्ट वीक को होने वाली हैं, तीन चार लोगों ने जूम के ऊपर ही मीटिंग से रखी हुई है, जो खास करके पंजाबी लोग हैं, पंजाबी एनआरआई है जी, तो जो इंटरनेशनल अम्बेडकर सेंटर वाले शायद उन लोगों ने भी, मैं अब देख नहीं पाया अभी तक, उन लोगों ने भी रखी हुई है, तो उसमें कम से कम 200 के करीब जो सभी स्टेटों से बिलोंग करते हैं, यूपी सभी पंजाब तो है ही है कि सभी स्टेटों से बिलोंग करते हैं, उसमें एनआरआई मोस्टली सभी सारे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा, मैं अभी एम वालों से ही बात करता हूँ, इंटरनेशनल अम्बेडकर मिशन वाले भी, उन लोगों से भी वो भी लोग करते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं भेजते, ज्यादा कर वो महाराष्ट्र के लोग हैं कि दूसरों को कम टच करते हैं, और कोई अपने ग्रुप के ऊपर ही लिंक डाल देते हैं, दूसरों को कम भेजते हैं, तो हम करते हैं धीरे धीरे हम लोग जुड़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे कुछ जैसे हमारे साथी यहाँ से अगर जुड़ना चाहे उनकी मीटिंग्स में, तो मतलब ऐसा कोई अगर लिंक प्रोवाइड हो जाए तो जब भी मुझे लिंक मिलता तो मैं आपको उसका लिंक भेजू, बसारते पंजाबी लोग करें। हाँ जी, वो पंजाब में अभी कांशीराम जी का प्रोग्राम भी होने वाला है, हेनरी जी कल को हमारी एक सॉरी रवि जी आपने खत्म कर दिया तो मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा कुछ में। रवि जी हेलो, आपकी बात खत्म हो गई तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। हाँ जरूर जरूर प्लीज। थैंक यू हेनरी जी, ऐसे है कि हम लंदन में सेंटर में बैठे हैं, एक फार ईस्ट है एक फार वेस्ट है, और दोनों में 12 घंटे का अंतर है, तो इसलिए जब भी कोई मीटिंग रखी जाती है तो इसकी हमें दिक्कत जरूर आती है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे हम भली भांति जानू हैं कि ये दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने सुधीर जी से पिछली बार कहा था कि क्यों ना हम ये समय को इस तरीके से डिवाइड करें कि एक ही बार में हम इंडिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ले लें, और दूसरी बार में हम यूरोप अमेरिका एंड कैनेडा वालों को ले लें, तो उससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो हो नहीं पाया, लेकिन इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि जो हो जाना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के बारे में जितनी भ्रांतियां हमारे लोगों के अंदर मनुवाद ने फैला रखी हैं, जब तक वो भ्रांतियां दूर नहीं होगी तो हमारे इकट्ठे होने में बहुत दिक्कत आएगी इसकी, तो लेकिन देखते हैं कैसे चलता है। मैं सुधीर जी से भी इसके बारे में बात करूंगा, आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर आप तो अपनी फंक्शनें करते रहते हैं, लेकिन किसी एक एनआरआई को, चाहे अमेरिका से हो, चाहे कनाडा से हो, चाहे यूरोप से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हो, उसको आप एक बार ज्वाइन करें और उसको उसका परिचय लें, और उसके ऊपर ये फिर जुड़ो और जोड़ो का जो कॉन्सेप्ट बिठा दें, तो वो खुद ही ये काम करता रहेगा, हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। जब तक लोगों को समझ नहीं आती तब तक लोग इससे दूर बैठे हैं, जैसे जैसे समझ आ जाएगी मुझे लगता है हम सब पास हो जाएंगे, पास ही नहीं हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और हमारी ताकत बहुत बड़ी बन जाएगी। जब ताकत दिखाई देगी तो जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते वो भी जुड़ जाएंगे। धन्यवाद जी। जी बैल साहब, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत। बैल साहब, सैटरडे को जो टाइम उनका 10-11 बजे इंडियन आईएसटी के हिसाब से कुछ बनता हो तो देख लो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो जिनका सुबह का टाइम मैच कर सकता है उनका लगभग शाम का होगा। रवि जी आपके पास तो बिकॉज आप बात करते रहते हैं, आपके पास सभी के टेलीफोन नंबर है, जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले वो ही इस वक्त का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर शाम होती है तो इंडिया में सुबह होती है, तो उनका 9 और 10 का मतलब इंडिया का 9-10 के बीच है, 9 के बाद 9 से के बाद उनका शाम होता है उस टाइम 5-6 बजे के बाद, या वहां पर शाम होती है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपने जो उन लोगों ने ग्रुप बना रखा है तो उससे बात करते हैं कि साहब कांशीराम
के ऊपर ना ग्रुप बना रखा, उसमें 150 लोग NRI जाए, तो उनसे बात करेंगे कि जब भी वो मीटिंग करेंगे और उसका लिंक आपको भेज देंगे, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा शाम पर तो हमारा टाइम उनसे कम मैच करता है। तो रवि जी मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, सॉरी रवि जी मुझे ऐसे लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ लोग हमारे चाहे वो इनवाइट करें चाहे ना करें, फिर भी उनकी फंक्शन में जाएं, उनको लिसन करें, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो महसूस करें कि भाई ये लोग एक बार दो बार आ रहे हैं तो इनसे इनको भी पूछना चाहिए ये क्या चाहते हैं, तो फिर आप हम अपना ये वी द पीपल का कंसेप्ट रख सकते हैं। और जैसे ही हम वी द पीपल का कंसेप्ट रखेंगे तो शायद और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ वहां से जुड़ना चाहेंगे। बस ये शुरुआत है रवि जी, आप इस सिचुएशन में हैं क्योंकि आपका टाइम सुबह और शाम का मैचिंग करता है और मैं बीच में हूँ, मैं आधी रात को होता हूँ, उधर वालों के लिए भी मेरी आधी रात होती है, उधर वालों के लिए भी आधी रात होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी समस्या रहती है ये। तो अगर आप रवि जी मैनेज कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की, कम से कम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए हम अगर दो चार मीटिंगें अपने बेस पे ऊपर ही उनके उनके बीच जाकर रख लें कि भाई ये कॉन्सेप्ट है बी द पीपल का, हम उससे जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं आप भी जुड़ो, आप जुड़ो, एक बार सुनो, दो बार सुनो, दस बार सुनो, तो अगर आपका माइंड क्लियर हो जाता है तो फिर आप इस पे काम करो। ना करते हैं ऐसा ही, लास्ट वीक हम जो लोग बैठे थे, डॉक्टर अजय जी भी बीच में थे और दूसरे चार पांच लोग थे जो बकरे बकरे संस्थाओं से जुड़े हुए थे, इसको चर्चा हुई और उन्होंने काफी पॉजिटिव भंगारा दिया, तो हम जल्दी इसके ऊपर फिर एक मीटिंग जहां पर कर लेंगे कि जहां कैसे जोड़ना, कैसे काम करने का, फिर माँ अपने साथी जो इंडिया वाले हैं उससे बात कर लेंगे, तो क्योंकि जहां से जोड़ने का तो ईजी है, क्योंकि हमारे पास तो जहाँ पर माँ एक बजने वाला माँ 1 PM का टाइम होने वाला है। तो फिर भी अब वेल साहब जी, हम चाहेंगे कि क्योंकि वो जूम की मीटिंग तो करते रहते हैं जो दूसरे ग्रुप वाले भी, तो हम इनको लिंक भेज देंगे, तो लिंक से फिर बात करेंगे और हम भी बोल सकते हैं, किसी भी मीटिंग में जाकर बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हैंड रेज करके, तो सभी मीटिंग वाले टाइम देते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होने के बिना कुछ नहीं कर पाए कर सकेंगे। और जब भाई मैं आशा करता हूँ कि अभी तक तो जी नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल ही रहे तो बढ़िया बात है कि इसके बिना हम लोग ज़्यादा इकट्ठे हो पाएंगे, जेकर पॉलिटिकल और रिलीजन की बात होगी तो फिर थोड़ा जा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे कि उनसे बात करके तो आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। आप मेरा कल तक कर फिर बात हम लोग करेंगे उनसे। रवि जी, आज से 3-4 महीने पहले हमने जो बात चालू भी करी थी कि अगर जूम मीटिंग पे नहीं भी आते तो 4 या 5 लोग जो वहाँ के पॉपुलर लोग हैं उनके साथ हम टेलीफोन कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, उसको पहले हुई भी थी मुझे जहाँ तक याद है, तो अगर न्यूजीलैंड वाले हम अलग ले लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले अलग ले लेते हैं तो कम से कम उनको हमारे साथ एक बार लिंक हो जाए तो फिर हमारा काम मसला हल हो सकता है। ये मैं सिद्धार्थ कैन जी से बात करता हूँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो चलिए बढ़ाएं आगे। हाँ जी धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपने। माइक म्यूट हो गया सर उनका। अच्छा अच्छा रवि जी का ठीक है भाई। सर आपने जो मतलब बहुत अच्छा है जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें मतलब कुछ अपना और भी ऐड हो सकते हैं, जैसे UAE और गल्फ की साइड में है उनके टाइमिंग मैच कर जाते हैं तो वहां पे भी अपने काफी साथी हैं, तो इसको मतलब एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, कॉमन प्रोग्राम जिसके अंदर में एटलीस्ट यहाँ से कुछ साथी हो जाए जो वहाँ पे मतलब हम बैठ के एक प्रॉपर बात कर सकें, थोड़ी सी उनकी भी बात समझाए वो क्या क्या चाहते हैं और कुछ हमारा समझ में आ जाए उनको भी हम क्या कर रहे हैं,
तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है, एक अच्छी बात हो सकती है। तो चलो ठीक है, आप कोशिश करते रहिए सर, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेहत की भी हमें चिंता है। तो अभी और कोई साथी है बीच में, नए साथी हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, क्योंकि काफी साथियों का नाम लिया जा चुका है, तो इसमें मालूम नहीं पड़ पाता कि कौन से साथी रह गए, तो वो अपना खुद ही अपना हैंड रेज कर दें, वो ज्यादा बेटर होगा। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ राजेश कुमार पावड़ा जी, ये कोई साथी है राजेश कुमार पावड़ा जी, अगर है तो वो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। विद्या बहुत सिरसा से, तीर्थ वाला भी है जी भाई साहब? हाँ जी तीर्थ वाले, हाँ उनको भी लीजिए, वो भी बहुत अच्छी। हाँ जी डॉक्टर तीर्थ वाला जी, हाँ जी डॉक्टर तीर्थ वाला जी, मैम प्लीज आए, प्लीज इनवाइट करिए उनको। हाँ जी मैम डॉक्टर तीर्थ वाला मैम प्लीज आए, अपना एक बार अपने विचार रखे। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं डॉक्टर मैम? तीर्थ वाला मैम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? शायद वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर उमेश जी को ले लीजिएगा। डॉक्टर उमेश जी प्लीज आए मंच पे, अपने विचार रखें। डॉक्टर उमेश जी, डॉक्टर उमेश मेरी बात। हेलो। हाँ जी, हाँ जी तीर्थ वाला, जय भीम। हाँ जी थैंक यू, जय भीम सभी साथियों को। मैं वो चैट में ही फॉर्म था ना उसको फिल कर रही थी, तो वहां से एग्जिट नहीं हो पाया जा रहा था। जी जी जैसे मैम, हाँ जी आपने इंट्रोडक्शन तो कई बार दिया है, आज जैसे एक विशेष दिन है तो उसके ऊपर में आप कुछ विचार रखें। मुझे थोड़ा सा दोबारा बता देंगे टॉपिक? आज जैसे मतलब एक अपना शास्त्री जी का भी है, हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और गांधी जी का। हाँ जी हाँ जी, और कुछ हमारे इंटरनेशनल साथी भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप अपने विचार रखें। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी वो तो जैसे कह लो कि आज न्यूज़पेपर में भी देखा कि शास्त्री जी की जो उनको ट्रिब्यूट दिया गया वो बहुत छोटा सा किसी फूड प्रोडक्ट का, पता नहीं, जैसे मैं ट्रिब्यून हम यहाँ पंजाब में पढ़ते हैं, तो वो जो राइट पर्सन थे, जो जैसे कह लो कि वो जो दिल से काम करते थे इस देश के लिए, जैसे हमने उनके बारे में सुना है कि वो जब उनको थोड़ा सा जो भी उस टाइम रहे होंगे हालात, तो वो कितना दिल को लगा गए थे और कितना वो एक आम पर्सन की तरह सोचते थे। बट यहाँ पे उनको तो ट्रिब्यूट किसी ने खास नहीं दिया, और अखबारों में बड़ी बड़ी जो फोटोग्राफ लगी है वो गांधी जी की लगी हैं, और गांधी जी का जो असल चेहरा है वो तो बाबा साहब जानते हैं, जहाँ हम बहुजन लोग जानते हैं। तो बस वही है कि हम कम पढ़ रहे हैं हमारे बाकी के समाज को गांधी का असल चेहरा दिखाने में, तो उसके लिए जैसे हम सभी सहकारी जुड़ते हैं, यहाँ पे भी है और जगह भी, अभी जैसे NRI साथी जुड़े थे पंजाब से, तो उनके साथ भी जूम मीटिंग में मैं रूबरू होती रहती हूँ। तो यही है कि जैसे आज एक कोटेशन में मैं पढ़ रही थी कि सरकारें जो है वो गांधी को भुलाना नहीं चाहती, और जो हम लोग हैं जो डिटर्मिंड मिशनरी लोग हैं वो बाबा साहब को भुलाना नहीं चाहते, तो वो बार बार गांधी को लेके आते हैं, और हमने अम्बेडकरिज्म को आगे लेके आना है, तो उसके लिए ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत कम लोगों तक जो असल बाबा साहब की विचारधारा वो नहीं पहुंची। संगठन बहुत सारे हैं, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, मतलब वो जोश में नारे लगाते हैं, जैसे किसी रिलीजन की बात करते हैं या हम जो भी कि हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते, उन्होंने कहा क्या उसको नहीं मानते। जैसे हमारे यहाँ पे सिखिज्म में भी अब आ गया है कि जो जिस बेस पे वो रिलीजन बना, जात पात को खत्म करके वो रिलीजन आया इन एक्चुअल फॉर्म में, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसकी स्थापना करी, बट वो भावना बिल्कुल भी अब नहीं है, जात पात उसमें भी है। इसी तरह बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी, जहाँ जो आखिर में वो जो हमें एक जैसे कहते हैं कि हमें वो एक
सुपुर्द करके गए हैं हमें, एक के हमें एक आखिर में जो बहुत बड़ी रोशनी देके गए हैं कि आपने बुद्ध के साथ जुड़ना है, तो वहां उस पे काम नहीं हुआ। संगठन संगठित होना तो बहुत ही जरूरी है। मैं तो वही है कि आज के दिन मतलब बिल्कुल भी गांधी को तो बिल्कुल भी कोई नमन नमन तो दूर की बात है। हाँ, उसका जो असल चेहरा है वो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि बाहर आगे लेके सामने लेके आए, अपने बहुजनों के समक्ष रखें कि ही इज द एक्चुअल कल्प्रिट, ही इज द मर्डर्ड ऑफ कम्युनल अवार्ड। तो वो जो है उनका जो पीछे से जो उसका एजेंडा था कि हम कर्म कांड या हिंदुइज्म के फोल्ड में से बाहर ना निकलें, वो जो उनका था कि वर्ण व्यवस्था को आइडियल समझते थे, वो जो दबा के रखना चाहते थे, तो वो मतलब मुझे लगता है कि आज के दिन हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम असल जो है उनका चेहरा आगे लेके आए। जब हम अरुंधति रॉय की बुक पढ़ते हैं फिर पता चलता है कि वो कितने कास्टिस्ट माइंड था उनका, और वहां पे जब वो साउथ अफ्रीका में रहे हैं वहां पे वो कितना नफरत करते थे जो लेबर क्लास थी, और इधर में आके जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी का तुक्का चल जाता है, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े बापू आसाराम का तुक्का चल गया था, तो इसी तरह उस बंदे का यहाँ पे आके कह लो कि लॉटरी लग गई। तो बीच में वो जो क्या उसके उनके जनरल सेक्रेटरी देसाई क्या थे वो मिल गए, वो उनको हर चीज हर प्रॉपर नॉलेज देते थे, अपडेट रखते थे उनकी नॉलेज, उनको काफी अच्छा गांधी को मार्गदर्शन करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ वो बंदा इतना लाइक राष्ट्रपिता बन गया, जबकि असल राष्ट्रपिता हमारे ज्योतिराव फूले जी हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी हमारी ड्यूटीज बहुत ज्यादा हैं, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। मैं सत्यवान कलकत्ता, इसमें मैडम का समर्थन करता हूँ और उसमें कुछ दो शब्द जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि मैडम ने कहा, ये बहुत ही ठीक बोला है कि सरकार गांधी को जनता गांधी को भूलना चाहती है और सरकार भूलने नहीं देती, और लोग डॉक्टर अंबेडकर को भुलाना नहीं चाहते, सरकार उसको भुलाने देना चाहती है, क्योंकि गांधी का जो रोल नोट पे उसका फोटो था साथ में है, हर साल उसका जोर शोर से मनाते हैं, तो उसको जीवित रखना चाहते हैं ताकि अंबेडकर को आगे न आए। इसीलिए हमारा सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हमने इधर उधर न जाकर सिर्फ अंबेडकर की आइडियोलॉजी को हर तरह से हर के घर में मन में बाएं दाएं दिन रात उसी पे बात करना चाहिए, ताकि हम उसको महान शख्सियत को नॉट ओन इंडिया पूरे संसार में तारे की तरह चमका सके। जय। बहुत अच्छी बात कही है ये, क्योंकि डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है और जैसा आपने कहा कि लोग याद करना चाहते हैं लेकिन सरकार इसको भुलाना चाहती है, लेकिन जिस तरह भी मूवमेंट चल रहा है हमें पूरा यकीन है, जिस तरह विद द पीपल काम कर रहा है और आने वाले टाइम में यह बहुत मूवमेंट बढ़ेगा, हम सबको एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन लोगों तक नहीं पहुंच पाए आज तक, उनकी जो उन्होंने जो काम किए, चाहे वो हमारे दामोदर प्रोजेक्ट की बात हो या अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बाबा साहब के प्रॉब्लम रूपी बुक से बनाई गई, बहुत सारे चीजें हैं बाबा साहब के लोगों तक नहीं है नॉलेज, अभी कुछ ही जानकारियां पहुंच पाई है, तो हमें पूरा यकीन है जिस तरह विद्या पीपल काम कर रहा है और कमिटेड लोग काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये लोगों तक बात पहुंचेगी। और बहुत अच्छा मैडम ने भी बताया है इसके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, और हमें पूरा यकीन आगे चल के बहुत बड़ा मूवमेंट होगा इसका होगा। धन्यवाद। और अपने आप ही उसको राष्ट्रपिता घोषित कर रखा है, जबकि वो रिटर्न में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको राष्ट्रपिता बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कितनी बिल्कुल सही बात। देखिए ना, बाबा साहब का एक सेंस है ना, वो वीडियो में है कि बाबा साहब सिर्फ एक ही बार मिले थे महात्मा गांधी को, भी जेल में, और उन्होंने सीधा कह दिया फॉक्स मेकर, सीधा उन्होंने बताया उसके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी है ही नहीं, महात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हो बाबा साहब की कितनी इंटेलिजेंस रही होगी कि एक बार 10 मिनट मिलने के बाद उन्होंने कह दिया उसको ऐसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, महात्मा बनाकर रखा। जबकि बाबा साहब के बारे में आप देखा जाए तो कितना सारा कुछ बाबा साहब लिखे गए, कितना सारा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब ने देश के लिए, अगर मेरा क्या 10% भी बाबा साहब की बातों पर चलते हैं, ये देश कहाँ कहाँ गया होगा,
किस तरह बाबा साहब भी चाहते थे कई हमको कई डिपार्टमेंट दिया जाए। बाबा साहब का ऐसा हम देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो बाबा साहब का विजन था कि कंट्री फर्स्ट लेकर चले हमेशा वो, और उनकी जो भी बातें उनकी प्रायोरिटी पे कही उन्होंने, तब वो 10 प्रायोरिटी उनकी थी। पहली प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, इसके लिए उन्होंने वो जो काम किया उसके पीछे देखे बिटवीन द लाइन्स, मेरा ख्याल हम सब हम सल्यूट करते हैं विद द पीपल के लोगों को जो वीजा लेके आए हैं, और हमें पूरा यकीन है धीरे धीरे लोग चीजों को समझेंगे जो लोग नहीं समझ रहे, और मजबूर होकर लोगों को आना पड़ेगा आने वाले टाइम। थैंक यू सर, कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बोलते हमारे हैं। डॉक्टर हेलो हेलो, मैं मोतीलाल अहिरवार भोपाल से। जी जी, एक्चुअली जिस विषय पे अभी डिस्कशन चल रहा था, जाने अनजाने में इस प्लेटफॉर्म पे उस आदमी का डिस्कशन करना, मतलब उसको तजब्बुत, इस प्लेटफॉर्म पे उसका डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, ना नाम लेना चाहिए। विरोधी का आप जितना गुणगान गाएंगे, नाम लेंगे, विरोध करेंगे, और का उतना ही उसका बढ़ावा मिलेगा। उसका मतलब मेरे जैसी सोच है, जैसा मुझे लगता है कि उसका गुणगान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसका नाम ही नहीं, कभी नहीं होगा। शुक्रिया। दो चीजें होती है किसी को बुलाने के लिए, उसको एकदम नेगलेक्ट कर दें, उसका नाम लेने भूल जाए, जरूरत ही नहीं उसका नाम ले, उसका डिस्कशन जितना करेंगे, भले आप नेगेटिव पे में करें पॉजिटिव पे में करें, मतलब उसको आप तजब्बो दे रहे हैं, अपने विचारों में उसको रख रहे हैं, और अपने विचारों में रखेंगे तो आदमी कभी भी खत्म नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। जी थैंक यू। मेरा निवेदन है कि उसको डिस्कशन में रखें नहीं। हाँ जी हाँ जी सर, अभी जैसे हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब के जो बात बोली थी उन्होंने, हेनरी जी जो हेनरी है उनको लो। हाँ जी हाँ जी वो उसी को कह रहे हैं, वो अभी डॉक्टर यूवी सिंह है और मैडम तीर्थ बालाजी का भी हेनरी है। हाँ जी हाँ जी सर, वो इसीलिए मैं वो इसी के ऊपर आ रहा हूँ, वो जो सर ने सभी ने अपने अपने विचार रखे गांधी जी या दूसरे डॉक्टर साहब के अंबेडकर जी के बारे में, तो मतलब मैं वो इसी बात को बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने बोला कि शिक्षित बनो, नहीं शिक्षित बनो की मैं बोल रहा हूँ कि वो शिक्षित बनने का जो है, एजुकेटेड होने का वो जो है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, लोगों ने अपने विचार रखे गांधी जी के बारे में, सभी के बारे में बहुत सभ्य तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी अपना जो यूपी सिंह जी है वो भी अपने विचार रखे सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। यूपी सिंह साहब को मेरा जय भीम। हाँ भाई साहब को जय भीम। जब तक हमें नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट के बारे में, तब तक उसको पॉजिटिव मानना या नेगेटिव मानना वो संभव नहीं है। मैं जो भाई साहब मोतीलाल अहिरवार जी ने बात कही उससे कुछ हद तक तो सहमत हूँ कि इग्नोर करना चाहिए, जितना कर सकें इग्नोर करने में ही फायदा है। लेकिन कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर हर एक भाई को होनी चाहिए, मैं उस तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब के शब्द क्या हुआ करते थे, मैं उन बाबा साहब के शब्दों को, ओरिजिनल जो वर्ड्स बाबा साहब यूज किया करते थे, मैं उनको 2-3 मिनट में रिपीट करना चाहता हूं। ये सर करें। महात्माज हैव कम एंड महात्माज हैव गॉन, आई कैन नॉट बिलीव ऑन सच ए महात्मा, He is not an immortal person. Every one of them has tried their best to remove untouchability. Mahatmas came and Mahatmas gone. My untouchables remains as untouchable. ये बाबा साहब के शब्द है। 19 सितंबर 1932 को जो स्टेटमेंट था उसमें बाबा साहब ने ऐसा बोला। पूना पैक्ट साइन होने के बाद में जो शब्द हैं बाबा साहब के, इट वॉज ए फ्रॉड विद मिस्चीफ,
it was a fraud with mischief, it was accepted due to the corrosive fast of Mr. Gandhi. I cannot believe on such a Mahatma. ये बाबा साहब के शब्द हुआ करते थे. महात्मा गांधी वाज एडवोकेटिंग एंसेस्ट्रल कॉलिंग. पैदाइशी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यू आर बॉर्न एज ए बनिया, यू नेवर यूज्ड बैलेंस इन योर लाइफ, you became half Mahatma and half politician. Your son is an editor in a daily newspaper. Yani aapko jo acha lagta hai aap wo profession chunte ho aur mere logon ko bolte ho ki jo chamar ka bachcha hai wo chamar ka kaam kare, jo jhadu wala baap ka beta hai wo jhadu wala baap kare. To wo ancestral calling ko बाबा साहब ने उसका विरोध किया है. जो कम्युनल अवार्ड जो डिक्लेयर किया गया था राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने, तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मिस्टर गांधी आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिसीजन यू हैव टेकन, यू हैव टेकन दिस डिसीजन due to the misapprehension of the actual facts. Yani Britain ka prime minister kehta hai ki bhai aapko ye galat fehmi ho gayi hai, aapka decision ye sahi nahi hai. To ye jo original words hain, jo baba sahab ki jo correspondence hai, 1930 ki jo letters hain, to un letters ko mere jo intellectual jo bhai hain unko कम से कम उनको पढ़ना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए. एक एक शब्द, एक एक वाक्य बाबा साहब का पढ़े बिना हम सही प्रकार से बाबा साहब को नहीं समझ पाएंगे. तो हमें बाबा साहब के शब्दों को समझना है, बाबा साहब को समझना है, उनके शब्दों को जिस तरीके से वो प्रयोग करते थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रयोग करते थे, हमें उनका अक्षर से शब्द से ज्ञान होना चाहिए. मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ शब्द बाबा साहब के याद थे, तो वो मैंने और भी हैं बाबा साहब के कोटेशंस, तो वो तो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत अच्छा लिटरेचर है बाबा साहब का, तो वो इनको पढ़ना चाहिए. सभी मेरे इंटेलेक्चुअल भाइयों से मेरा निवेदन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत है. What Congress and Gandhi have done to the untouchables की एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत है. तो इससे हमें हौसला बढ़ता है, हमें बाबा साहब के ज्ञान की, उनके उनको कितनी नॉलेज थी, किस प्रकार से वो शब्दों का प्रयोग करते थे, उसको सही मायने में जानने की जरूरत है. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर जोगी सिंह जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा. इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा, ये इन्होंने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी बात कही है. और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो गांधी जी ने जो पूना पैक किया था, तो पूना पैक का इम्पैक्ट जो यहाँ पे दिखा है, कांग्रेस एंड गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इस 393 पेज की किताब में बाबा साहब ने उसका पूरा विवरण दिया है कि पूना पैक का इंपैक्ट क्या था, मतलब पूना पैक से पहले क्या सिचुएशन थी, पूना पैक जो करने के बाद क्या सिचुएशन हुई, अगर वो नहीं होता तो क्या हो सकता था. आज की जितनी स्थिति है, आज जो भी हमारे लोग पिछड़े दिख रहे हैं, या जो भी हमारे लोग मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, या एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं है, या जो भी दबे कुचले लोग है, उस पूना पैक का ही इंपैक्ट है. अगर पूना पैक नहीं होता तो कोई मतलब बहुत चीज अलग हो जाती थी. तब बाबा साहब का जो वर्ड था ना, इसको एक हम हिंदी में कह सकते थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं एक फल बहुत प्रयास से, अंग्रेजों से बहुत प्रयास के साथ लेके आया था, मगर गांधी ने उसका जूस निकाल लिया और छिलके हमारे ऊपर फेंक दिए. उस तरह से उन्होंने गांधी का उल्लेख किया था. तो ये सब मतलब जो है
वो पढ़ना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुधीर जी हैंड रेज है। सुधीर जी प्लीज आए। दरअसल जितने भी लोग हमारे महापुरुष जो जानकारी दे के जाते हैं और जो जानकारी वो देते हैं, उस जानकारी पे हमारे कुछ लोग ना रिसर्च कर जाते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर उस रिजल्ट का, उस रिसर्च का फिर पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आता। वो जो जानकारी वो ली है अब तक हमारे जानकार लोगों ने, जिन्होंने डॉक्टरेट लगा दी या पीएचडी कर लिया या ना भी किया, किताबें पढ़ी उन्होंने, जब वो भाषण देते हैं तो पिछले 70 साल से जो भाषण दे रहे हैं उनमें वो कोट करते रहते हैं, यहाँ ऐसा कहा, वहाँ वैसा कहा, वहाँ वैसा कहा। इस कोडिंग का एक असर ये हुआ कि जब ये देखा कि बाबा साहब ने जो लिखा है वो तो अधिकतर लोगों ने जान लिया और वो कोट कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को तो रट भी गया, तो कुछ इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं उनकी भी कोडिंग होने लगी। कई हमारे वक्ता प्रवक्ता ऐसे भी हैं जो जब कहीं भाषण देने जाते हैं तो कोई किताब ले लेते हैं ट्रेन में या बस में या कार में, उसे पढ़ लेते हैं उसका कोई पेज, और फिर उस राइटर का नाम लेके और उसका लेके वो अच्छी तरह से वहां बताते हैं उन लोगों को जिनको कैखे के भी नहीं पता उसका। एक तरह से इसको इंटेलेक्चुअल टेररिज्म बोलते हैं कि जिन लोगों को उसको रिसीव करने की क्षमता ही नहीं है, उसको ग्रैप्स करने की क्षमता ही नहीं है, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, उन लोगों को वो बताया जा रहा है जो उनके किसी काम का नहीं है। बेसिकली ये चीजें तब होनी चाहिए जब हम कहीं विरोधी जो इंटेलेक्चुअल है और जो पढ़ के आया है वहां हम बात करें और अपने मतलब की बात करें। तो ये बुद्ध की खासियत थी कि जैसा व्यक्ति सामने होता था वो वैसा ही उसको बताते थे, वैसा ही करते थे। बाबा साहब ने जो कहा है वो 70 साल पुराना है, इसको आज की डेट में हमारा कोई भी इंटेलेक्चुअल मानने को तैयार नहीं है, और इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबा साहब जो उस समय बोले थे या उस समय जो कहा था, और उस समय सालों से साल में वो अपना भी क्या बोलते कई बार काउंटर कर रहे हैं, यानी कि उनका खुद का अगर आप उठाओगे साहित्य तो पहली बार दूसरे को काउंटर करती है, क्योंकि आदमी जैसे जैसे सीखता है वैसे वैसे नई नई जानकारी आती है, लास्ट की जानकारी सबसे अच्छी होती है। तो जो विरोधी लोग हैं वो बिना रेफरेंस के, बिना कॉन्टेक्स्ट के उठाते हैं, और वो तैयारी उन्होंने की हुई है, वो हमारे डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को पुराने को उठा के वहीं से कंडेम करते हैं, और वो बाकायदा व्हाट्सएप पे उसको चलाते भी हैं, हमारे लोग उसको काउंटर भी करते हैं। एनिलिज्म कास्ट का जब मैं वीडियो बनाने लगा और मैंने वो पढ़ा तो उसके अंदर एक हिंदू शब्द आया। अब हिंदू शब्द उस समय तो बाबा साहब ने उठाया वो तो ठीक था, क्योंकि उस समय उनको हिंदू बोला गया और उस समय वो हिंदू कह गए, मगर आज के समय अगर हम एनिलिज्म कास्ट में और हिंदू शब्द का गुणगान करते हैं तो हम हिंदू शब्द को मजबूत करते हैं, और वो चूंकि हिंदू का शब्द का ध्रुवीकरण चल रहा है, उसका पोलराइजेशन चल रहा है, तो वो उसमें और ज्यादा बेनिफिट देता है। तो कुछ चीजें जैसा कि अभी जो यहाँ तहसीलदार साहब आए थे और तहसीलदार साहब ने कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हम जो बात कर रहे हैं वो अपनी ही कर रहे हैं और अपनी ही करनी चाहिए और दूसरे की नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जी अगर हम दुश्मन की आइडियोलॉजी को नहीं समझेंगे या उसकी विचारधारा को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम लड़ेंगे कैसे। तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, मगर उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, उसमें से अपनी पॉजिटिव बात निकाल के और अपने लोगों को वो देना चाहिए जो उनके लिए टॉनिक है, जो उनके लिए दवा है। बेसिकली उसको हिडन रखना चाहिए। दुनिया के सारे जितने भी लोग हैं जो अच्छे जानकार हैं या जो अच्छे फाइटर हैं या जो अच्छे एजिटेटर हैं या जो अच्छे लोगों को सिखाते हैं, वो कभी भी उन बातों का उदाहरण नहीं देते जिसमें किसी दूसरे को बेनिफिट होता हो। वो या तो बोलेंगे नहीं, यार बोलेंगे तो वो बात बोलेंगे जो अपने। तो इसका उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण दुनिया में अगर किसी को सिखाने का या पढ़ाने का या लेक्चर देने का या आइडियोलॉजी बताने का या अपनी बात कहने का या अपने लोगों के उत्थान का अगर सीखना हो तो बुद्ध से सीखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध वो परफेक्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी दुश्मन का नाम ही नहीं लिया। पूरे साहित्य में एक सिंगल वर्ड नहीं है जब उन्होंने किसी का नाम लिया हो दुश्मन का, कभी नहीं लिया। कोई आया भी जबरदस्ती उनके मुंह में शब्द डालने की कोशिश भी की तो वो चुप रहे, बोले ही नहीं, और वो कभी तर्क वितर्क में पड़े ही नहीं, वो जवाब ही नहीं देते थे तर्क वितर्क का। उन्हें पता था कि मुझे अपना काम करना है बस, तो वो पॉजिटिव चीजें सारी उठाते थे
और लोगों को सिखाते थे। कई लोग ऐसे आते थे जो सीखने को तैयार नहीं होते थे और जो वाद विवाद करते थे तो वो उनसे हाथ जोड़ लेते थे और वो चले जाते थे, वो कुछ कहते नहीं थे। तो पूरे उनके सिस्टम में जो उन्होंने टीचिंग का सिस्टम बताया, जो उन्होंने स्पीकिंग का बताया, जो उन्होंने स्पीकिंग के बहुत अच्छे अच्छे आयाम बताए, मतलब दुनिया में उनसे बेस्ट टीचर नहीं है जो बता सके कि स्पीकिंग कैसे होती है, टीचिंग कैसे होती है, प्रीचिंग कैसे होती है और परफेक्ट कैसे होती है, कोई कमी नहीं। तो उनसे सीखना चाहिए। बाबा साहब जब 70 साल पहले थे तो बाबा साहब की मजबूरी थी कि वो शब्द उनको उठाने थे जिनका आज हमें उपयोग करना हमारे लिए नुकसानदायक है। अब हम ये कहें ये हमारे बाबा साहब ने लिखा है, ये हमारे मसीहा ने लिखा है, हम तो बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को पता नहीं है आप उनके सामने अगर कंडेम करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अगर हम ये कहें कि भाई बाबा साहब की बात उठाई और हमने किसी को रोक दिया, कुछ बात हो गई, तो वो नाराज हो जाएगा। एक आफत और है, तो जो स्पीकर है उनको ये समझना चाहिए कि निगेटिविटी तो निगेटिव ही होती है, मतलब जो नकारात्मक चीज है वो नकारात्मक ही रहेगी और वो जहां भी जाएगी वो निगेटिविटी ही फैलाएगी। बेहतर है कि उसको हम टच ही ना करें, उस सब्जेक्ट को टच ना करें, उस बात को टच ना करें। और आप यकीन मानिए कि वो निगेटिविटी अगर 3% पूरे साहित्य में है तो 97% हमारी पॉजिटिविटी है। वो हमारी पॉजिटिविटी ले गए और अपनी निगेटिविटी वो हमें देते रहते हैं और हमें मजबूर करते रहते हैं। पिछले 7 साल से हम लोग उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हर हफ्ते वो एक एजेंडा हमें देते हैं, या तो हमारी किसी लड़की के साथ में बलात्कार करके मार देते हैं, या मूंछ काट देते हैं, या घोड़ी से उतार देते हैं, या कोई ऑर्डिनेंस ले आते हैं, या कोई बिल पास कर देते हैं, या कहीं वो किसी को राष्ट्र को बदलने की बात करते हैं, या कहीं कहीं वो प्रताड़ित करते हैं, या कहीं पिटाई कर देते हैं, या कहीं फोर्स आ जाती है, या कहीं FIR आती है, या कोई अफसर निकाल दिया, या उसके साथ अपमान कर दिया, या 4 लोग इकट्ठे करके मार दिए, या उनको पीटा, या उनको मांस या जानवर ले जाते समय मारा। ये सारा एजेंडा वो पिछले 7 साल से दे रहे हैं। आप अखबार उठा लीजिए, आप यूट्यूब उठा लीजिए, 7 साल से हमने अपना कोई काम नहीं किया, हम उनका काम कर रहे हैं। वो कुछ करते हैं और हम एजिटेशन करते हैं। हमारे सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके एजिटेशन में जाके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं और वहां जाके वो अलग अलग करते हैं, इसी काम पे लगा रखा है। ये जो जुड़ो और जुड़ने का काम है, अगर यहाँ भी हम उनका काम करने लगे फिर हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमें तो यहाँ आंख बंद करके एक ही काम करना है, जुड़ना है और जुड़ना है। जुड़ने और जुड़ने की सारी समस्याएं वो ये नहीं होने देंगे, ये इतना आसान काम नहीं है। यहाँ 74 लोग बैठे हैं, मैं आपको फिर बता दूं, जैसे जैसे आप जुड़ना शुरू करोगे और जैसे जैसे आपके जुड़ने की आहट बाहर पहुंचेगी, इसको तोड़ने के लिए, सब फोड़ने के लिए, इसको अलग करने के लिए, क्योंकि अगर हम जुड़ गए, सिर्फ जुड़ गए, तो वो टूट जाएंगे, और अगर हम टूट गए तो वो जुड़ जाएंगे। ये एक फिनोमिना है जो काम कर रहा है। इसलिए जब यहाँ लोग आते हैं और मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं, किसी का ईगो हट हो जाता है, कोई चला जाता है, किसी की बेइज्जती हो जाती है, उसको संघ की और समाज की बेइज्जती नहीं दिखाई देती, उसको इंडिविजुअल दिखाई देती, वो भाग जाता है। किसी को एंकर नहीं बनाया तो उसका पूरा पूरा इकोसिस्टम हिल जाता था। किसी की बात नहीं सुनी तो वो लगता है कि हमें तो सुनाई नहीं, अरे इतने साल से तेरी बात सरकार नहीं सुनती, कुछ नहीं सुनती, यहाँ किसी ने नहीं सुनी, टाइम खराब हो रहा है, तो इसमें क्या बुरा मानना है। यहाँ तो सारी चीजें छोड़ के, सारी पोजिशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अगर आप मिलोगे तो आपके बच्चे बचेंगे, और झगड़ा बच्चे बचाने का है। और आपने बच्चे बचा भी लिए और वो चमड़े का काम करें और वो लैट्रिन उठाएं और वो सर पे कूड़ा उठाएं और वो फिर गली में पन्नियां बेचें, तो फिर अगर ऐसा करना है तो फिर जैसे चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भाई वाइजली काम करो थोड़ा सा। अगर वाइजली काम नहीं करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमारे पास लास्ट चांस है, फिर नहीं बचेगा। इस मंच को पॉजिटिविटी में लेके जाके और एक ही काम करना है। बाबा साहब की सारी किताबें अच्छी हैं, मगर उनके रेफरेंस, उनके कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए कि उसमें हमारा टाइम तो जाया नहीं हो रहा है। बुद्ध का सारा साहित्य बहुत अच्छा है, मगर उसमें देख लीजिए कि उसमें मिक्सिंग कितनी है, कहीं हमारा टाइम तो जाया नहीं हो रहा है। और अपनी अपना एक काम जो बाबा साहब ने भी दिया, बुद्ध ने भी दिया, पेरियार ने भी दिया, सब ने दिया, उसी को अगर आगे बढ़ा लेंगे, सिर्फ एक, ये सारे महापुरुषों ने कहा है कि एक सूत्र जो जान लेता है और उस पे चल लेता है और उसको पकड़ लेता है और उसको सफल कर लेता है, सारे सूत उसके पीछे आ जाते हैं। एक धागा जो पकड़ लेता है उसको आराम से खींचता रहता है, उस धागे के साथ में एक समय में रस्सी आ जाती है पूरी। आप 10,000-10,00,000 लोग भी उस रस्सी से उतर सकते हैं, धागे से नहीं उतर सकते। एक सूत बहुत होता है चलने के लिए, एक ही सूत पकड़ा है हमने, तो जुड़ना है, जुड़ना है और जिद्द है जुड़ने की, इसी में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। और थोड़े दिन के लिए अपना जो ये जो ज्ञान वाला जो मामला है, इसकी बजाय थोड़ा काम वाला मामला कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। और लोगों ने तो ये कंसेप्ट बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें जान है
और ये हमारी जान बचा देगा। धन्यवाद। थैंक यू सुधीर, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने बातें कही है। तो मैं अभी इनवाइट करूंगा डॉक्टर मोहनलाल जी हैं अगर तो आए, ज्ञानदास जी, डॉक्टर मोहनलाल जी, ज्ञानदास जी को सुन पा रहे हैं सर मेरी बात जी? केएल तंवर जी, जो साथी नए हैं जिन्हों का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ प्लीज वो अपना हैंड रेज करें, आए अपना इंट्रोडक्शन दें। ब्रजनंदन प्रसाद जी, विद्याबोध जी, विद्याबोध जी सुन पा रहे हैं? ब्रजनंदन प्रसाद जी सुन पा रहे हैं? हो गया इनका, हो गया ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है सभी साथियों को बोल दिया है। ये आगे डॉक्टर मोहन लाल जी। हाँ जी डॉक्टर मोहन लाल जी प्लीज। मैं ब्रजनंदन प्रसाद। हाँ जी जी सर, मेरी बात हो चुकी है, मैं बोल चुका हूँ सर। ओके ओके थैंक यू सर। डॉक्टर मोहन लाल जी। ओके सर। हेलो सर जी, सच्ची जो बात हो रही थी बहुत अच्छी बात हो रही थी, ये जो आपने कहा कि सुधीरा जी का जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इन फेवर ऑफ अस वही पॉइंट उठाने चाहिए, अदरवाइज पुरानी डिस्कशन का उतना फायदा नहीं होता, क्योंकि जो यंग जनरेशन है जो जो अब करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि कई बार हम वो बातें करते हैं जो अब रेलेवेंस नहीं रही, क्योंकि रेलेवेंस समय के साथ जो है ना वो बदलती रहती है और अब बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ हम जो एग्जेम्प्लीफाई कर सकते हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन से कुछ कर सकते हैं कि हाँ भैया ऐसे अब हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। और सेकंड पॉइंट जो बहुत अच्छा रेज किया गया है कि हमें अपनी एनर्जी को छोटे छोटे, ठीक है कि घटनाएं वापर रही हैं वो वापरती हैं, और उनसे इतना ज्यादा मतलब हमें जो एक्साइट नहीं होना चाहिए, ये तो चलता रहा है। और अब तो देख रहे हैं कि जैसे बात की जा रही है कि अब थोड़ा सा एक घटना बन जाती है और उसके पास कितना कुछ और जुड़ जाता है। सो मैं सुधीरा जी की बात से ये थोड़ा सा और सहमत हूँ कि हमें इतना एक्साइटमेंट में नहीं आना चाहिए, जब कोई घटना वापरती है उसको एनालाइज करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें अपनी डिस्कशन को आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और कोई मेरा साथी कोई भाई रह गए हो तो प्लीज कृपया सामने आए अपना इंट्रोडक्शन दें। डॉक्टर मोहनलाल जी कितने नहीं आए, काफी टाइम से जुड़े हैं, देखना एक बार। जी जी सर, मोहनलाल जी आप अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज चैट बॉक्स। जरूर जरूर सर।